राम राज्य साकार हो उठे, राम राज्य साकार हो उठे, राम राज्य साकार हो उठे, कलयुग सतयुग बन जाए, राम राज्य साकार हो, कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए, राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। जनमानस में ज्ञान सूर्य का है ले ऐसा उजियारा, जनमानस में ज्ञान सूर्य का है ले ऐसा उजियारा, विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला, विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला, दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से सब मानव मुक्ति पाए, राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो। चल उठे भाईचारा, गांव गांव की गली गली में मचल उठे भाईचारा, नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा, शांति का उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए, राम राज्य साकार हो, राम राज्य साकार हो।
जाए भय ऊंच नीच का और विषमता की खाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई। करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की हृदय सिंधु उफ ना जाए। राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। चल उठे पुरवाई। सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई। चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई। कोकिल कंठों से फूटे, श्रुति कोकिल कंठों से फूटे। भजनों की स्वर धाराएं राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। कल सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु। स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो, राम राज हो, राम राज विश्ववंद्यं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। ओ
ज्ञातिर्विजूयतां देवानागुरातिरभिनो निवर्ततां वा देवानागुसख्यमुपसेदि मा वय देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निविदाहुमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमश्रिधं अर्चमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्त तन्नो वातो मयो भुवातु भेख च तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस्तदश्विना श्रीरुतघृष्ण्या ध्रुवं तमीशानं जगतस्तस्थु खस्पतिन्धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं ऊखानो जथा वेदसामसद्विधे रक्षिता पायुरदग्धः स्वस्तये स्वस्ति न इन्द्रो वृथश्रवाः स्वस्ति नः भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृथदश्वा मरुतः वृष्णिमातरः शुभं जावानो विदधे कुजग्मयः अग्निजिह्वामरवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह भद्रकर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जजग्राः। बोलिए राज राजेश्वरी माम्बिका भवानी की जय। माँ भगवती की जय। सांचे दरबार की जय। आइए एक बार पुनः हम आए हुए समस्त भक्त श्रद्धालु जनों की ओर से और अपनी ओर से भी मंच पर उपस्थित दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष मारे जी की शिष्या देवी भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सजनों, एक बहुत बड़े फ्रेंच मैथमेटिशियन हुए हैं, नाम था ब्लेज पास्कल। उन्होंने अपने ज़माने में अपने समय में मैथमेटिक्स की फील्ड में इतनी इन्वेंशंस की थी कि संसार को साइंस को एक नई दिशा प्रदान कर दी थी। कहते हैं जब पास्कल अपने करियर की पीक पर थे, उन्हें वर्ल्ड चेंजिंग जीनियस कहा जा रहा था, तो उस समय एक रिपोर्टर ने उनका इंटरव्यू लिया और उनसे पूछा, सर हाउ डू यू फील एट दिस मोमेंट, इतना नाम इतनी शोहरत इतना मान सम्मान इतना रुतबा पाने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है। जानते हैं पास्कल का जवाब क्या था? सारी दुनिया हैरान रह गई जब पास्कल ने कहा था, देयर इज अ गॉड शेप्ड वैक्यूम इनसाइड ईच वन ऑफ अस विच आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंसिंग राइट एट दिस मोमेंट एंड दैट वैक्यूम नथिंग कैन फिल, नेम फेम पावर मनी नथिंग। कि मैं अपने अंदर एक अजीब से खालीपन को एक अजीब से अधूरेपन को महसूस कर रहा हूं जिसे ये संसार का मान सम्मान रुतबा ऐशो आराम ये कुछ भी नहीं भर सकता। अगर कोई भर सकता है तो वह है ईश्वर और केवल मात्र ईश्वर। कितनी कमाल की बात है। देखिए जिस ऐशो आराम को जिस मान सम्मान को जिस पैसे को नेम फेम को पाने के लिए हम दिन रात दौड़ते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं, उसे पाने के बाद भी इतना खालीपन इतना अधूरापन, कितनी अजीब बात है। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल देते हैं। मदर टेरेसा, नाम तो आप सबने सुना होगा, मानवता की इतनी सेवा की कि विश्व भर के लिए आइडियल फिगर बन गई। अपने तप त्याग के लिए आज भी श्रद्धा से याद की जाती हैं। पर जानते हैं जब उनकी मृत्यु हुई तो उसके तकरीबन 10 साल के बाद उन्हीं की अलमीरा को खोला गया और उसी में से उन्हीं के लिखे हुए कुछ प्राइवेट लेटर्स मिले और दुनिया एक बार फिर से हैरान हो गई जब उन्हीं लेटर्स में से एक लेटर को पब्लिश किया गया जिसमें लिखा था कि मैंने सब कुछ करके देख लिया
अपने तन से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, इस समाज के लिए, इस संसार के लिए मैं जो कुछ कर सकती थी मैंने सब कुछ करके देखा, पर फिर भी ना जाने क्यों मेरे मन का अंधकार इतना सघन, इतना गहरा होता जा रहा है कि उसे चीरकर मेरी आत्मा तक कुछ पहुंच ही नहीं पाता। मैं आज भी इतना कुछ करने के बाद भी खुद को खाली महसूस कर रही हूं, अधूरा महसूस कर रही हूं। भाइयों बहनों, आज हम सोच कर देखें, ये अधूरापन, ये खालीपन उन लोगों के जीवन में नहीं था जिन्हें संसार में कुछ पाना शेष रह गया था, बल्कि उन लोगों के जीवन में था जिन्होंने संसारिक सफलताओं के शिखरों को छुआ था। पर वहीं हमारे संत महापुरुष जो सदा से अध्यात्म के शिखरों पर विराजमान रहे, वे सदा से इस तथ्य को जानते थे, बखूबी समझते थे कि जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। ये संसार, ये तो खुद नश्वर है, खुद खालीपन से, अधूरेपन से भरा है। फिर इसमें किए गए काम, इसमें किए गए कर्म, इसमें किए गए कृत्य, वे भी तो हमें अधूरापन ही देंगे, खालीपन ही प्रदान करेंगे, पूर्णता कैसे दे सकते हैं। दैट्स वाई दे हैव ऑलवेज बीन एनकरेजिंग ह्यूमैनिटी, वे सदैव मानव समाज को समझाते रहे कि समाज के लिए, इस संसार के लिए इतनी दौड़ भाग क्यों, दिन रात 24 घंटे इस संसार के लिए क्यों, इसके लिए इतना पागलपन क्यों। अगर पागलपन रखना ही है तो उस ईश्वर के लिए रखो, उस माँ भगवती के लिए रखो, उस माँ के लिए रखो जिसको पाने के बाद इस संसार का खालीपन नहीं बल्कि तुम उस ईश्वर की पूर्णता को प्राप्त कर जाओगे। ठीक वैसे जैसे किया था अरबिंदो घोष ने, आपको बताएं फ्रीडम मूवमेंट के दौरान अरबिंदो घोष, ही रोट अ नंबर ऑफ लेटर्स टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी को अनेकानेक उन्होंने पत्र लिखे, और उन्हीं पत्रों में से एक पत्र में उन्होंने अपने तीन पागलपन का जिक्र किया। जानते हैं वो क्या थे? उन तीन पागलपन में से दूसरा पागलपन जो था वो खुद लिखते हैं अपनी वाइफ को। उन्होंने लिखा, बाय वॉट एवर मीन्स आई मस्ट एंड मस्ट हैव द डिवाइन विजन ऑफ लॉर्ड, हाउ आर्डस द पाथ मे बी बट आई हैव मेड अप माई माइंड टू फॉलो इट, कि अब चाहे जो हो जाए, जो बन पड़ेगा, जो करना पड़ेगा, जहां जाना पड़ेगा, जिससे मिलना पड़ेगा, पर अब मैं ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर रहूंगा, मेरे सिर के ऊपर ये पागलपन सवार हो चुका है। और सजनों, शायद उनका यही पागलपन था जो उन्हें उस समय के पूर्ण सदगुरु विष्णु भास्कर लेले जी के पास लेकर चला गया। जैसे ही लेले के पास गए, लेले जी ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, वो परम ज्ञान प्रदान किया, एंड देयर एंड देन अरबिंदो हैड द डायरेक्ट विजन ऑफ लॉर्ड। उसी समय, उसी क्षण, उसी सेकेंड अरबिंदो ने अपने ही घट के भीतर ईश्वर का दर्शन किया, माँ भगवती का दर्शन किया, पूर्ण को पूर्ण से मिलकर पूर्णता को प्राप्त कर लिया। भाइयों बहनों, इसलिए आज आपसे कहना चाहते हैं, हम इस संसार के लिए बहुत जिए हैं, अपने लिए बहुत जिए हैं, पर कहीं ना कहीं एक अधूरेपन के साथ, एक खालीपन के साथ जिए हैं, उस आनंद को नहीं प्राप्त कर पाए। इसलिए बढ़ चले, आओ आज बढ़ चले उस पूर्णता की ओर जिसको पाकर आनंद ही आनंद है, वही आनंद जिसके बारे में रामकृष्ण परमहंस जी कहा करते थे। वे कहते थे, देखो मुझे देखो, ईश्वर को देखने के बाद मन कैसे विकारों से रिक्त हो जाता है, उसका मैं जीता जागता प्रमाण हूं। मुझे देखो, माँ काली का, माँ भगवती का दर्शन करने के बाद मन कैसे आनंद से सराबोर हो जाता है, उसका मैं जीता जागता प्रमाण हूं। आओ आओ मेरी हार्ट में आओ, मैं तुम्हें भी उस आनंद में भिगो दूंगा, तुम्हें भी उस आनंद में सराबोर कर दूंगा। भाइयों बहनों, आज ये कथा भी हम आपसे कहना चाहते हैं, ये बात आज ये कथा भी आपको उसी आनंद में भिगोने के लिए आई है, सराबोर करने के लिए आई है। एंड यू आर रियली फॉर्चुनेट वंस, आप सौभाग्यशाली हैं दैट यू आर गेटिंग दिस मैसेज ऑफ पीस, यू आर गेटिंग दिस मैसेज ऑफ ट्रूथ ऑन योर ओन लैंड, ऑन योर ओन सॉइल। आज आपको आपकी ही भूमि पर आकर, आपको कहीं जाना नहीं पड़ा,
आपको कहीं खोजना नहीं पड़ा, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ा। आज आपको आपकी ही भूमि पर आकर ये संदेश दिया जा रहा है कि माँ का दर्शन कर लो, उस ज्ञान को प्राप्त कर लो, जिसको पाने के बाद ये जीवन आनंद से भर जाता है, सुख और शांति से भर जाता है। कहीं कोई भटकाव, कहीं कोई छिछलापन नहीं रहता, आनंद ही आनंद रहता है। इसलिए आए आज सच्चे हृदय से माँ के समक्ष ये प्रार्थना करें कि माँ, अगर आप हमें अपने इस पंडाल में ले आई हैं, अपने इस कथा प्रसंगों को सुनने का हमें अवसर आपने दिया है, तो इतनी कृपा और करना कि हम इस प्रसंग को सिर्फ सुने नहीं, बल्कि इस संदेश को अपने मन के भीतर उतार भी लें और उस ज्ञान तक बढ़कर आपके दर्शन तक भी आगे बढ़ जाएं, अपने जीवन को सार्थक कर लें, अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर लें। आइए ऐसी ही प्रार्थना और कामना के साथ आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करेंगे और उसके लिए हम आग्रह करेंगे, हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष मारे जी की शिष्या, देवी भागवत भास्कर भागवताचार्य कथा व्यास साध्वी सुश्री अदिति भारती जी से कि वे आज के कथा प्रसंग का शुभारंभ करें। तो बोलिए राज राजेश्वरी मां अंबिका भवानी की जय, दिव्य गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांझे दरबार की जय। दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी।
विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशालरूपधारिणी विशिष्ट शिष्टकारिणी विशालरूपधारिणी विशिष्ट शिष्टकारिणी विशालरूपधारिणी विशिष्ट शिष्टकारिणी विशालरूपधारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्टकारिणी विशालरूपधारिणी विशिष्ट शिष्टकारिणी विशालरूपधारिणी महोदरे विलासिनी भजामि विंध्यवासिनी विशिष्ट शिष्टकारिणी विशालरूपधारिणी विशिष्ट शिष्टकारिणी विशालरूपधारिणी भजामि विंध्यवासिनी भजामि विंध्यवासिनी विंध्यवासिनी के श्री चरणों में जिन्होंने अपनी कृपा से विंध्याचल के अभिमान को खत्म किया और उसको उसकी कीर्ति को अमर किया, नमन है ऐसी माँ विंध्यवासिनी को, नमन है माँ विंध्यवासिनी को जिन्होंने प्रकट हो कंस के समक्ष उसके अंत की आकाशवाणी की थी, पापों का नाश करने वही समय समय पर विविध रूपों को धारण कर आती हैं, मानव के भीतर पनप रही अज्ञानता की दरिद्रता को हरती हैं, ऐसी माँ विंध्यवासिनी को हम कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन है दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के श्री चरणों में जिन्होंने वो ज्ञान रूपी अंजन प्रदान कर हमारे भीतर की समस्त अज्ञानता का हरण किया है, अज्ञानता के उस अंधकार से हमें मुक्त किया है, ऐसे दिव्य गुरु के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि नमन है। बोलिए राज राजेश्वरी ब्रह्ममय मां अंबिका भवानी की जय। आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बिका की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। मां के प्रिय भक्तों, एक बार पुनः इस दिव्य प्रांगण में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन हार्दिक स्वागत करती हूं। भक्तों, आज चलिए इस सत्र का प्रारंभ आपसे एक प्रश्न पूछकर करते हैं। एक बात बताइए, क्या आपने बचपन में सांप सीढ़ी का खेल खेला है? बताइए, सबने खेला होगा। सांप सीढ़ी का खेल कैसे खेलते थे भक्तों? एक बोर्ड होता था, एक पट होता था, उसके ऊपर एक से लेकर 100 तक की संख्या के खाने बने होते थे और उन खानों में कहीं पर होती थी सीढ़ियां और कहीं पर होते थे सर्प। और खेलने के लिए हमें कुछ गोटियां दी जाती थी और कुछ पासे दिए जाते थे। उन पासों को जब खेलते थे तो उन पासों पर जो संख्या आती थी उसके हिसाब से हम अपनी गोटी चलते थे। अब संख्या अगर 3 की आई
गोटी चली और तीन की संख्या पर सीढ़ी मिल गई तो तीन की जगह 13 पग चल लेते थे। लेकिन अगर कहीं संख्या चलने के बाद मिलन हो गया एक सर्प के साथ तो उसका दंश लगता था और हम वापस बैक टू स्क्वायर वन वहीं पहुंच जाते थे। यूं हमने इस खेल को बहुत खेला है, अपने मित्रों के साथ, अपने बच्चों को भी खिलाया है। परंतु भक्तों, जानते हैं इस खेल का निर्माण किसने किया? आज तो हम इसे स्नेक्स एंड लैडर्स के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण किसी विदेशी ने नहीं किया है, इस खेल का निर्माण भारत के ही एक संत ने किया था जिनका नाम संत ज्ञानेश्वर है। और उन्होंने खेल खेल में, इस छोटे से खेल में मानव जीवन का पूरा रहस्य समेट दिया। और उनका उद्देश्य यह था कि घर घर में जब ये खेल खेला जाए तो बाल्यावस्था से ही मनुष्य अपने जीवन के अर्थ को जान ले। और इसीलिए जिसे हम आज सांप सीढ़ी का खेल कहते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स कहते हैं, जब संत ज्ञानेश्वर जी ने इस खेल का निर्माण किया था तो उन्होंने इसका नाम रखा था मोक्ष पट। पकड़ में आई बात इस नाम से कि खेल का औचित्य क्या है? चलिए समझ लेते हैं इसको। 1 से लेकर 100 तक की संख्या हमारे जीवन के प्रवाह को दर्शाती है। और इस जीवन में असंख्य ऐसे पड़ाव आते हैं जिन पड़ावों पर या तो हमें सीढ़ियां मिलती हैं या फिर सर्प का दंश मिलता है। लेकिन इस ये निर्धारित कौन करता है कि सीढ़ी मिलेगी या सर्प का दंश मिलेगा? आपके पासे पर जो संख्या आई होगी, आपने जैसा कर्म किया होगा उसी के हिसाब का फल आपको मिलेगा। अगर श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो सीढ़ियां मिलेंगी, और वहीं कहीं श्रेष्ठ कर्म करते करते सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अगर मन में कहीं अभिमान आ गया तो फिर 99 की संख्या पर बैठा है एक महासर्प। वो महासर्प जब डसता है तो इतनी मेहनत से जो ऊंचाई को छुआ होता है, औंधे मुंह आकर व्यक्ति नीचे गिरता है, खेल फिर से शुरू करना पड़ता है। क्योंकि वो महासर्प कुछ और नहीं है, वो महासर्प है अभिमान का सर्प, अहंकार का सर्प। हम शुभ कर्म करते हैं इस इच्छा से करते हैं कि कल स्वर्ग की प्राप्ति होगी, परंतु उन शुभ कर्मों को करते करते, उन शुभ कर्मों को करने का अभिमान जब आता है तो फिर क्या हश्र होता है? ये हमारे ग्रंथों में, हमारे इतिहास में बहुत से पात्र हमें बताते हैं। और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की हम कथा सुन रहे हैं। इस ग्रंथ में षष्ठम स्कंद में वेद व्यास जी एक पात्र की चर्चा करते हैं। उस पात्र का नाम है नहुष, राजा नहुष। राजा नहुष एक ऐसे राजा थे जिन्होंने इस धरा धाम पर बहुत शुभ कर्म किए थे, अत्यंत धर्मज्ञ थे, श्रेष्ठ कार्यों में रत रहते थे। और एक समय आया जब स्वर्ग पे जो सिंहासन पर जो इंद्र बैठा था, वो इंद्र वहां से अलोप हो गया। उस समय स्वर्ग का आसन रिक्त हुआ, और स्वर्ग के आसन को रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता था, इसीलिए सभी गुरु जो थे, महापुरुष जो थे और समस्त देव जो थे, उन्होंने मिलकर मंत्रणा की कि अब इस सिंहासन पर किसको आरूढ़ किया जाए। उस समय खोज करते करते उन्हें पृथ्वी पर राजा नहुष के बारे में पता चला। राजा नहुष इतने धर्मज्ञ थे कि उनका चयन कर लिया गया और उनके श्रेष्ठ कार्यों के बदले, उसके फलस्वरूप उन्हें इंद्रासन प्रदान किया गया। इतने श्रेष्ठ कार्यों को करने वाला नहुष जब उस इंद्रासन पर बैठा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अभिमान के सर्प ने उसे ऐसा दंश मारा कि अब जो कल तक धर्म कर्म के कार्यों में रत था, वो राजा नहुष आज भोगों में, विलासों में ऐसा लिप्त हुआ कि वो धर्म क्या होता है भूल ही गया। उसका अभिमान इतना सर चढ़ के बोला कि उसने सभी देवों को अपने अधीन कर लिया, और एक दिन तो उसने सारी मर्यादाएं भंग कर दी। देवों को बुलाकर कहा
जाओ जाओ इंद्राणी शची से कहो, अब इंद्र मैं हूँ और वो इंद्राणी है, तो इसलिए अब वो मेरा वरण करे। उसे एक वस्तु के मानिंद जैसे स्वर्ग की अन्य वस्तुएं थी, आज उसे लगा इंद्राणी भी उसके अधिकार में आती है। भूल गया समस्त मर्यादाएं और आज इंद्राणी को प्राप्त करने के लिए कामातुर होने लगा। और उसके बाद क्या हुआ, इंद्राणी शची माँ भगवती की परम भक्त थी और आज भगवती का सानिध्य लेकर इंद्राणी शची को युक्ति प्राप्त हुई। इंद्राणी शची ने नहुष को कहा, अवश्य ही मैं तुम्हारा वरण कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है, तुम्हें सप्त ऋषियों द्वारा उठाई गई पालकी में सवार होकर आना होगा और तब ही मैं तुम्हारा वरण करूंगी। और देखिए जो सप्त ऋषि पूजनीय हैं, जिन सप्त ऋषियों से देवों ने सदैव मार्गदर्शन प्राप्त किया है, आज वो नहुष अभिमान में ऐसा अंधा हुआ कि उसने सप्त ऋषियों को आदेश दिया कि मेरी पालकी को उठाकर आप इंद्राणी शची के पास लेकर चले। आज इंद्राणी शची के पास जाने की इतनी आतुरता थी, सप्त ऋषि सब जान गए कि अब इसका विध्वंस, इसका पतन प्रारंभ हो गया है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है, और उन्होंने भगवती की लीला में अपना सहयोग दिया। आज सभी सप्त ऋषियों ने उस पालकी को उठा लिया, नहुष उस पर आरूढ़ हुआ और अब वो पालकी को लेकर इंद्राणी शची के महल की ओर बढ़ गए। चलते चले जा रहे हैं, परंतु वो कृशकाय हैं, वृद्ध हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। लेकिन एक समय आया जब नहुष जो है वो अधीर हो रहा है। नहुष कहता है, सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। सप्त ऋषि कुछ तेजी पकड़ते हैं, परंतु कुछ समय बाद फिर धीमे हो जाते हैं। नहुष फिर कहता है, सर्प सर्प, एक बार फिर तेजी पकड़ते हैं पर फिर धीरे हो जाते हैं। जब ऐसा कई बार हुआ तो अब नहुष का धैर्य जो था वो खत्म हो गया। उसने आज सर्प सर्प कहते हुए अपने पग से प्रहार किया और वो प्रहार लगा अगस्त्य मुनि को। अगस्त्य मुनि जा गिरे और तब उन्हें क्रोध आया और उन्होंने कमंडल से जल लिया और आज नहुष को श्रापित कर दिया। सर्प सर्प कहता है, बहुत अधीर हो रहा है, तेरा ये अभिमान ही तुझे अब सर्प योनि में ले जाए, मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू सर्प में परिवर्तित हो जा। उस समय इन नहुष के अभिमान ने उसे दंश मारा और वह जो इतने प्रयास करके स्वर्ग के आसन को जिसने प्राप्त किया था, वो स्वर्ग के आसन से गिरकर सर्प योनि में चला गया। ऐसा ही अभिमान का दंश लगा था रावण को, ऐसा ही अभिमान का दंश लगा था दुर्योधन को। ये सारे जो पात्र हैं, ये हमें बता रहे हैं, आप कितनी भी ऊंचाइयों को छू लो, कितनी भी विद्या अर्जित कर लो, लेकिन अगर अभिमान आ गया, अगर अहंकार शेष रह गया, तो पतन सुनिश्चित है। भक्तों, आपको क्या लगता है कि जीवन केवल इतना ही है जितना अभी हमें दिख रहा है, इस जीवन के कुछ 50, 55, 60, 70 वर्ष? नहीं, जीवन का प्रवाह तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। जीवन तो तब से प्रवाहित हो रहा है जिस क्षण हमारी ये आत्मा उस परमात्मा से विलग हुई थी, और इस आत्मा ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है, असंख्य पड़ावों से गुजरी है, कभी वृक्ष बनी, कभी वनस्पति बनी, असंख्य पड़ावों से गुजरती हुई आज इस पड़ाव पर आई है, मानव तन का ये पड़ाव, जिस पड़ाव को प्राप्त कर वो इस मोक्ष पद के खेल को पूर्ण कर सकती है, मुक्ति प्राप्त कर सकती है, मोक्ष पद को प्राप्त कर सकती है। परंतु जब तक जीवन में अभिमान है, जब तक जीवन में अहंकार है, ये अहंकार हमें हमारे लक्ष्य से मिलने नहीं देता। ये अहंकार हमारे जीवन के समस्त अभावों का, हमारी विकलता का मूल है। एक बार दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के समक्ष कुछ शिष्य बैठे थे और महाराज श्री ने उनसे प्रश्न किया
जीवन के विकलता का मूल कारण क्या है? किसी ने कहा मन विचलित होता है इसलिए मन के विकार। किसी ने कहा जीवन के लक्ष्य का ना बोध होना। बहुत सी बातें कही लेकिन महर्षि ने किसी भी उत्तर पर स्वीकृति नहीं दी। तब सबने प्रश्नवाचक दृष्टि से गुरु महाराज जी की ओर देखा और महर्षि ने तब उत्तर स्वरूप कहा, मानव की समस्त विकलता का जो कारण है वो है उसका अहंकार, उसका अभिमान। क्योंकि ये अभिमान ही है जो उसे उसके गंतव्य से दूर रखता है। ये अभिमान ही तो है भक्तों, जब हम माता ने हमें जन्म दिया, जब आत्मा उस परमात्मा से बिछड़ी तो क्या हुआ? आत्मा जो थी वो एक फॉल्स इंप्रेशन में आ गई। उसने एक फॉल्स अस्तित्व को, एक झूठी आइडेंटिटी को अपना लिया और खुद को उसके अंदर एक मैं का भाव आ गया। उसने अपने आप को ये देह समझ लिया और वो इसके साथ हर चीज को एसोसिएट करने लगी और यही बन गया हमारा सूडो सेल्फ। इसी अभिमान के चलते हम उस परमात्मा से दूर होते गए, क्योंकि हम इस अभिमान को पोषित करने के लिए इस संसार को बटोरते गए और हमारा जीवन विकल होता गया। जितना जितना हम इस संसार की ओर बढ़े उतना उतना हम अपने गंतव्य से दूर हुए और हम सोचने लगे हम में कुछ विशेष है, हमारा एक अलग अस्तित्व है। परंतु भक्तों भूल गए कि हम तो उस परमात्मा की, उस भगवती की संतान हैं। ये अहंकार ही है जो हमें हमारे अपनों से दूर करता है। ये अहंकार ही है जो हमारे समाज में भेदभाव को उत्पन्न करता है। ये अहंकार, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ईगो। ईगो का अर्थ जानते हैं क्या होता है? ईगो मींस एजिंग गॉड आउट। जब ईश्वर को अपने जीवन से निकाल दिया तो जो रह जाता है वो एक अहंकारी व्यक्तित्व रह जाता है, वो अहंकार है। और जब ईश्वर को बाहर निकाल दिया जाता है तो जानते हैं क्या होता है? रशिया ने ऐसा किया था एक बार। जब सोवियत यूनियन का गठन हुआ तो वहां पर नारे लगे, एक फिलॉसफी प्रतिपादित की गई कि भगवान कुछ नहीं होता, भगवान को निकालो समाज से बाहर, जीवन से बाहर। उन्होंने भगवान को जीवन से बाहर निकाला और नतीजा क्या हुआ? कुछ ही समय में उस सोवियत यूनियन में वहां पर स्वेच्छाचार पनपने लगा, डाइवोर्स केसेस बढ़ गए, क्राइम रेट बढ़ने लगा, क्योंकि अंकुश खत्म हो गया। ईश्वर को बाहर निकाला और मानव जो था वो पशु बन गया। जहां पर अहंकार है वहीं पर तो लड़ाई झगड़े हैं। आज देखें घर परिवार में, आज हमारे समाज में रिश्ते भंग क्यों हो रहे हैं, रिश्तों की ऐसी दशा क्यों है? क्योंकि हर किसी को अभिमान है मैं सही हूं और तुम गलत। जैसे ही एक व्यक्ति अपने भीतर अभिमान को लाता है, संजो लेता है, तो क्या होता है? ही स्टार्ट्स फीलिंग दैट आई एम समथिंग एंड द मोमेंट यू फील दैट आई एम समथिंग देयर इज समवन हु इज बीनीथ यू। आप किसी को डिग्रेड कर देते हो, कोई ऐसा हो जाता है जो आपसे नीचा है। और जैसे ही मेरे और तेरे का भाव आया तो संवेदनाएं सूख जाती हैं, लड़ाई झगड़े पनपते हैं, संतुलन बिगड़ जाता है, समानता नहीं रहती, भेद पनपता है और समाज जो है विकल हो जाता है। ये अभिमान उसका तो पतन करता ही है जो इसको संजोता है, जिसको इसका दंश लगता है, अपितु समाज का भी की दुर्दशा कर देता है। बड़े सुंदर उदाहरण से स्वामी राम तीर्थ जी इस तथ्य को समझाते हैं। वो एक छोटी सी घटना, एक दृष्टांत बताते हैं। वो कहते हैं एक बार इस देह में ये जितने अंग हैं इसमें से जो हाथ है उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा सारी मेहनत पूरा दिन मैं करता हूं, सारे काम मैं करता हूं, सब वस्तुओं को मैं उठाता हूँ, सामान मैं उठाता हूँ, खाना मैं पकाता हूँ, लेकिन जब खाने की बारी आती है ना तो ये मुख सारा स्वाद ले लेता है और ये पेट सारा खाना पचा लेता है, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं है। अब मैं इन्हें खाना नहीं खाने दूंगा, सारी मेहनत मेरी, मैं करूं और खाएंगे। उसे बहुत गुस्सा आ गया। अब उसने क्या किया? एक तरीका निकाला।
आज उसने क्या किया, उसने खाना बनाने के समय सारे व्यंजनों को, जो सारी सामग्री थी, उसका एक घोल बना लिया, एक सूप बना लिया, और उसको उसने इंजेक्शन में भरा और दूसरे हाथ से अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया। खाने नहीं दूंगा पेट को, खुद खाऊंगा, इंजेक्ट कर लिया। अब स्वामी रामतीर्थ जी ने जब ये बात सुनाई तो वो पूछा करते थे कि आपको क्या लगता है कि उस हाथ को आज बहुत संतोष मिला होगा, क्या हुआ होगा बताइए। जानते हैं क्या हुआ? जब उसने ऐसा किया, हाथ फूल गया, उसे भयंकर पीड़ा होने लगी और उसकी पीड़ा को पूरी देह ने भोगा, और तब उसे एहसास हुआ कि जब ये पूरा देह सुपाच्य भोजन खाता है, ये संतुष्ट होता है, तब एक एक अंग जो है वो सुसंचालित होकर कार्य कर पाता है। ठीक ऐसे ही भक्तों, जब इस संसार में कोई इकाई अपने स्वार्थों को पोषित करने के लिए इस संसार से दोहन करती है, अपने अहंकार को पोषित करने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो अपना पतन भी करती है और समाज में भी विध्वंस को उजागर करती है, और वो कभी भी अपने जीवन में आनंद प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो भूल जाती है कि हम सब तो एक पिता की संतान हैं, दिखने में पृथक हैं, लेकिन एक आत्मा है, वो एक विराट आत्मा। जैसे आकाश में जब सूर्य चढ़ता है, आप अपने समक्ष, उस सूर्य के समक्ष अगर छोटे छोटे बर्तनों में पानी रखते हैं, तो क्या होगा, वो एक सूर्य उन छोटे छोटे बोल्स में, उन छोटी छोटी तश्तरियों में बहुत सारे होकर दिखने लगेंगे। पर क्या सूर्य बहुत सारे हो गए? सूर्य एक है, प्रतीत हो रहा है कि वो बहुत सारे हैं। ठीक ऐसे ही वो परमात्मा एक है, हम इन दो नेत्रों से सामने देखते हैं, पृथकता दिखती है, परंतु अगर तृतीय नेत्र खुल जाए और अंतर्घट में देखें तो पता चल जाएगा पृथक नहीं है, एक ही है, एक ही का प्रतिबिंब है। परंतु जब तक ये अहंकार का आवरण है, इसने हमें जकड़ा है, हम अपने जीवन में आनंद प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हमारे महापुरुष हमें सचेत करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कुछ कह रहे हैं, आए उसे सुनते हैं। Oh,
कि सबसे अलग थलग हो जाते कर हमें ईश्वर संग लो जोड़नी पड़ेगी लो जोड़नी पड़ेगी दीवारे अभिमान की अब तोड़नी पड़ेगी दीवारे अभिमान की झुकने का आपस में हो तालमेल हो प्रश्न न फिर रुकने का आओ करे ऐसा प्रयास और सीखे गुण झुकने का आपस में हो तालमेल हो प्रश्न न फिर रुकने का समाज एक उन्नत समाज की रचना के लिए मानवीय इकाइयों को अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। ये जो एक मिथ्या मैं को हमने पकड़ा है उसे छोड़कर अपने वास्तविक अस्तित्व से जुड़ना होगा और ये मैं ही है जो हमें हमारे समाज को भेद में टुकड़ों में बांटती है, हमें पृथकता का दर्शन करवाती है। भक्तों, हम उस पावन भूमि पर बैठे हैं जहाँ का कीर्ति चिन्ह क्या है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। किनका है वो, किनका है वो स्टैचू जो आपकी इस हैदराबाद की भूमि पर बनाया गया? रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य जी का वो स्टैचू कुछ कह रहा है हमसे। वो कह रहा है कि ये पृथकता केवल इस दृष्टि से, इस बुद्धि के भेद से उत्पन्न होती है। जानो उस एकता को, जानो उस एक को और एक सुगठित समाज की संरचना करो। परंतु विडंबना है ना, जिस भूमि पर, जिस भारत भूमि पर वसुधैव कुटुंबकम सर्वे भवन्तु सुखिना, और ऐसे महान संत हुए जिन्होंने जीवन भर समानता और समता को प्रतिपादित करने का प्रयास किया, वहां पर इकाइयां बटी हुई हैं, समाज खंड विखंड हो रहा है, मानव अहंकार से ग्रसित हो रहा है। आज इस कथा प्रसंग के प्रारंभ में आपको ये अहंकार से पृथकता के दर्शन क्यों करवाए हमने? क्योंकि जिस दुर्गा सप्तशती के चरित्रों को हम सुन रहे हैं उसमें जो तीसरा चरित्र है माँ का ना, वो हमें अहंकार मर्दन करने के लिए, वो हमारे भीतर उस अहंकार का मर्दन करने के लिए आई है। उनके अहंकार मर्दनी स्वरूप को हमारे समक्ष रख रही है क्योंकि जब तक ये अहंकार है आत्मा परमात्मा से मिल नहीं पाता, आत्मा परमात्मा से मिलकर तृप्त नहीं हो पाती। नदियां जो हैं वो भटकती रहती हैं पोखरों में फंस कर, उनके जल में सड़ांध उठती रहेगी लेकिन वो सागर से नहीं मिली तो तृप्त कभी नहीं हो सकती, निर्मल कभी नहीं हो सकती। एक बार एक सन्यासी के पास एक जिज्ञासु आया और उसने हट ही कर ली
कि आप मुझे कुछ दीजिए ऐसा जो बहुत प्रेशियस हो, जिसे मैं रख सकूं अपने पास। उन सन्यासी ने उसे एक छोटी सी डिबिया दी। उस व्यक्ति ने उस डिबिया को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटा सा पत्थर था, एक कपड़े में लिपटा हुआ पत्थर पड़ा हुआ था। उसने कहा, इस पत्थर का मैं क्या करूंगा? संत ने कहा, सन्यासी ने कहा, यह साधारण पत्थर नहीं है, ये पारस मणि है। इस पारस मणि के संपर्क में अगर लोहा आएगा तो ये उसे कंचन कर देगी। उस जिज्ञासु ने उस डिबिया को देखा, डिबिया लोहे की थी। मन में प्रश्न उठा, संदेह उठा कि अगर ये पारस मणि है तो इसने अभी तक इस डिबिया को सोने का क्यों नहीं किया, ये तो लोहे की ही है। सन्यासी से पूछ लिया प्रश्न। तब उन सन्यासी ने कहा, इस डिबिया और उस पारस मणि के बीच में ये मोटा कपड़ा है, जिसके कारण इस डिबिया के भीतर पड़ा है वो पारस मणि, लेकिन ये डिबिया सोने की नहीं हो पा रही। ठीक यही है हमारे जीवन का हाल। वो भगवती भीतर बैठी है, वो भगवती भीतर बैठी है जो पारस मणि के समान है, उज्जवल है, हमारे चरित्र को, हमारे स्वरूप को, हमारे व्यक्तित्व को उजला कर सकती है, लेकिन अहंकार का आवरण इतना बड़ा है कि जो पास से भी पास है हम उससे जुड़ना नहीं चाहते। जो सब कुछ करने वाली है वो जताती नहीं है, और जिसका कुछ अपना है नहीं हम हमेशा आगे बढ़कर कहते हैं, मेरा धन, मेरी शक्ति, मैंने किया। कैसी विडंबना है ना जीवन की। इसीलिए इस अहंकार का मर्दन आवश्यक है ताकि मानव श्रेष्ठ बने और समाज सुगठित और संगठित बने। इसलिए आज दुर्गा सप्तशती के उत्तम चरित्र में हम गाथा श्रवण करेंगे। माँ सरस्वती, माता महासरस्वती, उनके अवतरण की गाथा, जो अहंकार मर्दनी है उनकी गाथा श्रवण करेंगे। उन्होंने किस प्रकार की लीला की उसे जानेंगे। उस गाथा की ओर बढ़ने से पहले भक्तों, रोज की ही तरह आए माता महासरस्वती के चरणों का ध्यान करते हैं, उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हे माँ, तुम ज्ञान की प्रदायिनी भी हो और अहंकार की मर्दनी भी हो। हे माँ, हमारे जीवन को अपनी कृपा से आलोकित करो, हमारे जीवन को, हमारे समाज को इस अहंकार के सर्प के दंश से, इस विष से मुक्त करो। चक्रम धनुः सायकम् हस्ताचैर्दधति घनान्त विलसच्छीतांशुतुल्यप्रभां गौरीदेह समुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदैत्यादिनी। माता महासरस्वती, जिन्हें हम ज्ञान की प्रदायिनी के रूप में जानते हैं, भक्तों मार्कंडे पुराण से उद्धृत इस दुर्गा सप्तशती में उनके उस दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है जो अहंकार का मर्दन करता है। माता ने असंख्य अस्त्रों शस्त्रों को धारण किया है, और सबसे विशेष जिस अस्त्र को उन्होंने धारण किया है वह है हल। हल जिसे खेतों में चलाया जाता है और नवीन फसलों को उस खेतों से उपजाया जाता है, उसमें बोकर नवीन फसलों को प्राप्त किया जाता है। माता महासरस्वती की कृपा भी जब जीवन में आती है तो हमारे जितने पूर्व ग्रह हैं, जो हमारे मिसकंसेप्शंस हैं, जो हमारे परसेप्शंस हैं, जो अहंकार की दीवारें हमने बनाई हैं, वो उन्हें खंड विखंड करती हैं। और उनके जीवन में आने की कृपा जब किसी पर होती है तो
तो उसका जीवन आमूल चूल परिवर्तन को प्राप्त करता है। भक्तों, माता महासरस्वती ने कब इस धरा धाम पर अवतार लिया, चलिए उस गाथा को हम सुनते हैं। ये बात उस समय की है जब इस धरा धाम पर शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य, उनका आतंक विस्तृत होने लगा। ये दोनों अत्यंत अभिमानी थे, इन्हें अपने रूप पे, अपनी शक्ति पे, अपने ऐश्वर्य पे अत्यंत अभिमान था और इनकी शक्ति इतनी थी कि इन्होंने अपनी शक्ति से समस्त देवों को अधीन कर लिया था। समस्त देवों के कार्य जो थे वह ये खुद पूर्ण करते थे। देव इनके अत्याचारों से बचकर किसी तरह वहां से बढ़ चलते हैं माँ भगवती की शरण को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि माँ ने जब महिषासुर का वध किया था तो माँ ने कहा था, माँ ने वरदान दिया था देवों को कि जब जब भी दानवी बाधा उत्पन्न होगी मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए, इस सृष्टि के संरक्षण के लिए आऊंगी। तो आज समस्त देव शुंभ और निशुंभ के आतंक से इस धरा धाम को मुक्त करवाने के लिए पहुंच जाते हैं महादेवी की शरण में। महादेवी की शरण में जाकर दंडवत प्रणाम करते हैं और गुहार करते हैं, हे माँ, इस सृष्टि पर फिर संकट आया है, अभिमान फिर से बढ़ चढ़कर बोल रहा है, शुंभ और निशुंभ का आतंक विस्तृत हो रहा है, अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। और उस समय महादेवी अपने श्री विग्रह से एक दिव्य देवी को प्रकट करती हैं, क्योंकि वह उनके विग्रह कोष से प्रकट हुई थी, तो उनका नाम पड़ जाता है कौशिकी। उन्हीं को हम महासरस्वती कहते हैं और वही माँ अंबिका के नाम से भी जानी जाती हैं। आज माता कौशिकी ने जब आकार लिया तो अब माता कौशिकी को देखकर सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। माता कौशिकी दिव्य रूप को धारण कर अपने साथ समस्त अस्त्रों शस्त्रों को लेकर सिंह के आसन पर आरूढ़ हो श्रृंगवेर पर्वत की ओर बढ़ जाती हैं। माता कौशिकी जब श्रृंगवेर पर्वत पर पहुंची तो आज माँ ने वहां पर अधरों से बंसी को लगा लिया और आज इतना सुमधुर स्वर छेड़ा कि चारों दिशाएं उस बंसी के स्वर को सुनकर आनंदित होने लगी। प्रकृति झूमने लगी, भक्त आनंदित हो रहे हैं, चारों ओर शुभ संकेत हो रहे हैं और सभी अत्यंत प्रसन्न हैं। उसी स्वर को चंड और मुंड, शुंभ और निशुंभ के दो पराक्रमी दैत्य थे, उन चंड और मुंड ने उस स्वर को सुना और वह भी इतने आकर्षित हुए कि वह स्थल की ओर बढ़ चले। वहां उन्होंने दिव्य रूप धारिणी माँ अंबिका को जब देखा, माँ कौशिकी को जब देखा, तो आज उनके रूप को देखकर वो दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। आज एक बार फिर वही घटनाक्रम होना प्रारंभ हो गया। चंड और मुंड उस मधुर ध्वनि को सुनकर द्रुत गति से बढ़ते हुए राजमहल की ओर पहुंच गए। वहां शुंभ और निशुंभ के समक्ष उन्होंने साम युक्त वचनों से उन देवी के रूप का वर्णन किया, उस सुमधुर स्वर के बारे में बताया और वह शुंभ और निशुंभ जो स्वर को सुन रहे थे आज वो भी उस स्वर को सुनकर मंत्र मुग्ध हो रहे हैं। और आज जब उन्होंने देवी के उस स्वरूप को सुना, उनके सौंदर्य के बारे में जाना, तो चंड और मुंड उनकी तो प्रवृत्ति ही थी उकसाने की, आज उन्होंने शुंभ और निशुंभ को इस प्रकार उकसाया कि इस सृष्टि के समस्त रत्न जिनके पास है तो फिर ये महारत्न, ये महासौंदर्य रूपी रत्न वह भी उनके पास होना चाहिए। और शुंभ और निशुंभ इस प्रलोभन में आ गए, अभिमान पहले ही था, आज इस अभिमान को लेकर अब उन्होंने अपने एक दूत सुग्रीव को बुलाया और सुग्रीव को कहा, तुम जाओ और हमारा प्रणय निवेदन रखो उन देवी के समक्ष। वही घटनाक्रम हो रहा है, आज वो सुग्रीव बढ़ चलता है उस स्थल की ओर जहां पर महादेवी स्थित थीं और महादेवी के समक्ष जाकर परिचय रखता है, बताता है शुंभ और निशुंभ के बारे में। आज महादेवी उसके सामयुक्त वचनों को सुनकर मधुर वाणी में कहती हैं, सुग्रीव, मैंने शुंभ के बारे में बहुत सुना है और शुंभ की ख्याति को सुनकर ही तो मैं यहाँ आई हूँ, मैं उसका वरण करना चाहती हूँ, उसके पराक्रम के समक्ष तो कोई भी टिक नहीं सकता, मैं उसका वरण करूँगी, परंतु तुम जाओ
उसे बताओ, शुंभ को बताना कि जब मैं बाल्यावस्था में थी तो मैंने खेल खेल में एक प्रण ले लिया था अपनी सखियों के समक्ष। मैंने प्रण लिया था कि मुझे युद्ध में जो परास्त करेगा मैं उसका वरण करूंगी। इसलिए जाओ अपने राजा शुंभ को कहो कि वह दोनों आकर, शुंभ और निशुंभ आकर मुझसे युद्ध करें, मुझे उस युद्ध में परास्त करें और मैं उनका वरण कर लूंगी। आज सुग्रीव ने जब यह सुना बड़ा संदेह हुआ, लेकिन उनकी बात सुनकर उस संदेश को लेकर राजमहल में पहुंचा और आज कहने लगा, वह तो मुझे बड़ी कपटी लगती है राजन। वह कहती है कि उसने युद्ध का संकल्प लिया है और वह आपसे युद्ध करना चाहती है। मुझे नहीं लगता वो आपसे विवाह करना चाहती है, अवश्य ही उसका मंतव्य कुछ और है। आज जैसे ही शुंभ और निशुंभ ने यह सुना तो उन्हें लगा कि अब एक विशाल सेना को भेजना चाहिए। उन्होंने अपने पराक्रमी दैत्य धूम्रलोचन को बुलाया। धूम्रलोचन को एक विशाल सेना के साथ आज उस स्थल पर भेज दिया जहां पर देवी स्थित थी। आज धूम्रलोचन सेना को लेकर महादेवी के समक्ष खड़ा है और महादेवी को कहता है, देवी आप युद्ध क्यों करना चाहती हैं? चलिए हमारे राजाओं का वरण कीजिए और इस संपूर्ण भूमंडल की, सृष्टि की साम्राज्ञी बन जाइए। धूम्रलोचन को माँ कहती है, मैंने संकल्प लिया है कि मैं तो उसी का वरण करूंगी जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा। अगर तुम चाहते हो मुझसे युद्ध करना तो युद्ध ठानो। और आज धूम्रलोचन जब महादेवी नहीं मानती तो वो अपनी माया का संचार करता है। उसके पास एक मायावी शक्ति थी, चारों ओर धूम्र का, धुएं का विस्तार कर देता है और माँ के समक्ष उस माया को प्रकट कर आज माँ को त्रस्त करने का प्रयास कर रहा है। लेकिन तभी माँ बाणों की वर्षा करती है और अपनी बाणों की वर्षा से उसके उस माया को खत्म कर देती है। उसके बाद धूम्रलोचन आज खड़क से माँ की ओर प्रहार करने के लिए बढ़ता है, परंतु तभी माँ अपनी हुंकार से ही धूम्रलोचन का अंत कर देती है। यूं वहां पर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अब जैसे ही दैत्य सेना लौट करके जाती है और शुंभ और निशुंभ को बताती है कि वहां तो महादेवी रणचंडिका बन गई है, वो तो चंडी रूप में युद्ध कर रही है, तब आज शुंभ और निशुंभ अब चंड और मुंड को भेजते हैं। चंड और मुंड आज विशाल सेना को लेकर अब वहां पहुंच जाते हैं। साम युक्त वचनों से माँ को आज समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें कहते हैं, देवी युद्ध तुम कैसा युद्ध कर रही हो? इस युद्ध में तो हमारे राजा तुम्हें तुरंत ही परास्त कर देंगे। इस खेल को छोड़ दो, चलो हमारे साथ, हमारे राजा का वरण कर लो। लेकिन उस समय माँ भीषण क्रोध में आ जाती है और माँ आज चंड और मुंड के साथ भी युद्ध करना प्रारंभ कर देती है। चंड और मुंड आज अपने अस्त्रों शस्त्रों को लेकर जब माँ की ओर प्रहार करने के लिए बढ़ते हैं तो आज माँ वहाँ चंड और मुंड का भी अपनी खड़क से अंत कर देती है। जो चंड और मुंड का भी अंत हो जाता है और अब शुंभ और निशुंभ को चिंता हो जाती है, यह तो एक एक करके हमारे समस्त दैत्यों का अंत कर रही है। अब शुंभ और निशुंभ अपने दैत्य रक्त बीज को वहां भेजते हैं। आज युद्ध छिड़ा हुआ है और उस युद्ध में समस्त देवों ने अपनी देवियों को भी भेज दिया है। ब्रह्मी, ऐन्द्री, वारुणी सभी दैत्यों के साथ युद्ध कर रही हैं। माँ चंडिका वहां पर युद्ध में रत है और अब रक्त बीज उस युद्ध भूमि में आता है। आज जैसे ही वह देवियां रक्त बीज को देखती हैं तो रक्त बीज के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ती हैं। एक एक कर उन पर प्रहार कर रही हैं, परंतु देखते ही देखते जैसे जैसे वो प्रहार कर रही हैं, रक्त बीज की सेना विस्तृत होती चली जा रही है। रक्त बीज एक एक बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म ले रहा है, क्योंकि रक्त बीज को वरदान है, उसकी हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म लेगा। यूं देखते ही देखते वहां पे रक्त बीजों की सेना प्रकट हो जाती है और आज वो रक्त बीज अब माँ अंबिका को संबोधित करते हुए कहता है, धूम्र सा दोस्त हो जाओ, मेरी वो मस्ती नहीं, खड़क से काया मेरी छिन्न भिन्न हो सकती नहीं। अपने हर प्रहार से देवी मेरे बल को बढ़ाओगी, मेरी शक्ति के समक्ष
क्षण भर भी टिक ना पाएगी। आज रक्त बीज ने जब यूं माँ को ललकारा तो माँ ने भी आज रक्त बीज को संबोधित करते हुए कहा, मिथ्या भ्रम को त्याग अब, अंत असंभव तेरा नहीं, मुझ आदि शक्ति के समक्ष तेरे पल की गणना नहीं, हर रक्त की हर बूंद के साथ तेरे अभिमान को पी जाऊंगी, तेरे अंत की गाथा रचने के लिए काल रात्रि बन में आऊंगी। माँ को भीषण क्रोध हुआ और आज माँ की ललाट से वहां पर एक घोर रूपा प्रकट हुई, एक वहां पर एक दिव्य दृश्य प्रकट हो गया। महाकाली विकराल रूप है, है। काल 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 रूप धारिणी, नेत्र ज्वाल जिह्वालाल देवी विकरालिनी, घोर घोर महाघोर मृत्यु रूप धारिणी, मुक्त केश रौद्र वेश दानव संहारिणी। आज माँ ने काली का रूप धारण कर लिया, बिखरे हुए केश है, रक्त रंजन जीवा है, एक हाथ में खड़क धारण की हुई है और दूसरे हाथ में खपर है, और आज माँ अब उस रक्त बीजों की सेना के साथ युद्ध करना प्रारंभ करती है, एक एक कर उन रक्त बीजों का सर धड़ से अलग करती जा रही है और खपर में भर कर उनके रक्त का पान करती चली जा रही है। देखते ही देखते माँ ने समस्त रक्त बीजों की सेना का अंत कर दिया। अब अंतिम रक्त बीज शेष बचा था, उसने खड़क को उठाकर माँ पर प्रहार करना चाहा, तभी माँ ने अपनी खड़क से उस पर भी प्रहार किया और उसके समस्त रक्त को खप्पर में भरकर उसका पान कर लिया। आज यू रक्त बीज का अंत हुआ, चारों दिशाओं में सभी देव जो थे वो आनंदित हो रहे थे और शुंभ और निशुंभ भयभीत हो गए। विकल्प नहीं था, अब निशुंभ स्वयं युद्ध भूमि में आया। आज युद्ध भूमि में आकर उसने माँ के साथ युद्ध ठाना। आज विभिन्न अस्त्रों शस्त्रों से माँ पर प्रहार करने का प्रयास कर रहा है, बाणों की वर्षा कर देता है और माँ अपने एक बाण से उसके समस्त बाणों को विफल कर देती है। उसके बाद वो अपने गदा को उठाकर माँ के सिंह के मस्तक पर प्रहार करता है। माँ को क्रोध आ जाता है और माँ आज अपनी खड़क से उसके सर को भी धड़ से अलग कर देती है। निशुंभ की जीवन लीला का भी अंत हो गया और तब वहां आता है शुंभ। अब कोई विकल्प नहीं है, वो शुंभ स्वयं युद्ध भूमि में आया और उसने देखा कि आज तो समस्त देवियां युद्ध में रत हैं, कहीं काली युद्ध कर रही है, कहीं वारही युद्ध कर रही है, कहीं वैष्णवी युद्ध कर रही है, चारों दिशाओं में देवियां खड़ी है और अब वो अंबिका को संबोधित करते हुए कहता है, तुम तो इतने सारे रूपों में युद्ध कर रही हो, तुम तो इतनी देवियों की सेना को लेकर युद्ध कर रही हो, मैं तो अकेला हूँ, ये कैसी युद्ध नीति है। उस समय माँ जिसे अपने बल पर अभिमान था उस शुंभ को जीवन का सत्य, सृष्टि का सत्य बताती है। माँ कहती है, ये अलग अलग शक्तियां नहीं है, ये तो मेरी ही शक्ति है। और देखते ही देखते वो सारी शक्तियां माँ के भीतर एकत्रित होती है और अब उस युद्ध भूमि में एक चंडिका खड़ी है, वो महासरस्वती अंबिका खड़ी है और अब शुंभ को ललकारती है, शुंभ आओ मुझसे युद्ध करो। और आज शुंभ युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाता है, अपनी खड़क को लेकर माँ के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करता है। माँ आज उसकी बाएं भुजा को काट देती है, वो दूसरे हाथ में अपनी खड़क को लेता है और प्रहार करने का प्रयास करता है, माँ उसकी दूसरी बाजू भी काट देती है। तब वो अपने पैरों में उस खड़क को धारण कर प्रहार करने का, पथ प्रहार करने का प्रयास करता है, माँ उसकी टांगों को भी काट देती है और अंततः जब वो त्राही त्राही कर रहा होता है तब माँ अंतिम प्रहार करती है और शुंभ की जीवन लीला का भी अंत हो जाता है। जो चारों दिशाओं में अब सभी माँ का गुणगान करने लगते हैं क्योंकि शुंभ और निशुंभ का अंत हुआ। ओम नमो भगवती, ओम नमो
नमो भगवती। जय जय चामुंडे चंडिके चंडेश्वरी चंडायुधे चंडरूपे चंडरूपधारिणी परानंद रूपे शिवे नरशिरोमालांकृत वक्षस्थले महा महाकपाल मालोज्वले ज्वलन्मणि मुकुट चूड़ावद्धार्थ चंद्रखंडे महाभीषणे देवी परमेश्वरी महामाये षोडशकला परिवृत्तोल्लसिते महादेवासुर समर निहित रुधिराद्रिकृत लंबित कमलोपासिताकारे संपूर्ण रुधिर संपूर्ण रुधिर शोभित महाकपाल चंद्रहास वर लब्ध रथ सहित हेम कांची दामोज्वली कृतासनारुणी कृत पुरज्वली भूत मंडले महा महाशंभु रूप महा महाव्याघ्र चर्मांबरधरे महासर्प यज्ञोपवीतिनी महा महाश्मशान भस्मोज्वलित धवलित सर्वगात्रे काली महाकाली कालामी रुद्रकाली काली संघर्षिणी कालनाशिनी वीरभद्रकाली शूलभद्रकाली निर्वाणकाली काल काल कोटि मोदिनी ज्वालामालिनी उन्मत्तकाली चंडिके महाचंडी त्रिपुर चंडी रात्रि संचारिणी नमो भक्षिणी नाना भूत प्रेत पिशाच गण सह संचारिणी नाना व्याधि प्रशमनी सर्वदुष्ट प्रशमनी सर्वदारिद्र्य नाशिनी धग 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 धगा स्वादित मास खंडे ब्रह्मारी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी शंखिणी वाराही इंद्राणी चामुंडा महालक्ष्मी रूपे महाविद्ये योगेश्वरी योगिनी चंडिके महायोगिनी माये माये विश्वेश्वर रूपिणी सर्वाभरण भूषिते अतल हितल सुतल रसातल तलातल महातल पातालादि भूर्भुवस्वर महर्जनस्तस्पस्तुत्सख्या चतुर्दश भुवनैकनाथे महा महाक्रूरे महाघोरे प्रसन्न 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 हो भगवती। कपाल कंगकारिणी खड़ग खंडधारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी चंडमुंड कोचटाक रूप धरा चंडिका अपने भक्तों को दुलार नाम लिया अंबिका रक्त बीज को मिटाया रक्त उसका पी गई नेत्र हो गए विशाल जीवा लाल हो गई मंडमान कारिणी शंख का पुकारिणी मालकारिणी शंख को पुकारिणी शुक्र चरण धारिणी काली वन विहारिणी महाकाली कालिके महाकाली कालिके नमामि भक्ततारिणी। मधुकैटव संहार के शुंभ निशुंभ मार के दुर्गम के शीशो घर से ही उतार के सिंह पर सवार हो के नेत्र जब हिला दिया इस धरा के दानवों को धूल में मिला दिया कष्ट सब निवारिणी शस्त्र हस्त्र धारिणी सकल विघ्न तारिणी सदा ही शुभ विचारिणी महाकाली कालिके महाकाली कालिके नमामि भक्त तारिणी 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 महामाई कालिके नमामि भक्त तारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्त तारिणी महामाई अंबिके नमामि भक्त तारिणी महाकाली कालिके नमामि भक्त तारिणी महामाई अंबिके नमामि भक्त तारिणी। बोलिए राज राजेश्वरी ब्रह्ममय माँ अंबिका भवानी की जय। आज माँ अंबिका ने शुंभ और निशुंभ का अंत किया
एक बार फिर अहंकार का मर्दन कर आज उस त्रिलोकी को उस अहंकार के विष से मुक्त किया। और तब माँ ने देवों को वरदान दिया था, माँ ने उद्घोष किया था, इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्ता भविष्यति तदा तदा वतीर्याहं करिष्यामि न संशया। माँ ने उद्घोष किया कि जब जब भी इस धराधाम पर दानवी बाधा उपस्थित होगी तब तब मैं इस धरती पर आऊंगी और अपनी संतानों की रक्षा करूंगी, धर्म की स्थापना करूंगी। भक्तों, हर युग में विविध रूपों को लेकर वो शक्ति इस धराधाम पर आती है और इस धराधाम पर आकर उस अहंकार का मर्दन कर धर्म की स्थापना करती है। कभी सोचा है आपने कि जिस भूमि पर बारंबार वो शक्ति इस भारत भूमि पर आई, विभिन्न रूपों में आई, भगवान श्री कृष्ण, प्रभु श्री राम शक्ति के विविध स्वरूप धारण कर इस धराधाम पर आई और उन्होंने अहंकार को चुनौती दिया जब जब, तो उन्होंने धर्म की स्थापना पर वो कहानी का अंत हुआ। परंतु कभी सोचा है आपने कि आज हमारे समाज में जिस धर्म ने हमेशा समाज को एकत्रित किया, एक सूत्र में बांधा, जिसकी स्थापना के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया, आज उसी धर्म के नाम पर हमारा समाज बटा क्यों है? कभी विचार किया? दुर्गा सप्तशती ना जाने कितनी बार पढ़ी होगी हमने, और इस दुर्गा सप्तशती का पिविट क्या है, आधार बिंदु क्या है? धर्म की स्थापना। हर लीला से बार बार माँ ने वही किया। भगवत गीता कई बार पढ़ी है हमने, पहला शब्द और अंतिम शब्द धर्म से प्रारंभ होता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्र, धर्म की स्थापना के लिए वो महाभारत का युद्ध हुआ था। उस धर्म की स्थापना के लिए प्रभु श्री राम वन में गए, रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। धर्म की स्थापना के लिए वो शक्ति विभिन्न रूपों को धारण करके आई। परंतु कभी विचार किया कि उसी धर्म के नाम पर आज हमारे समाज में लड़ाई झगड़े क्यों? माँ को क्रोध क्यों आया था? क्यों काली रूप प्रकट किया? क्योंकि जब जब अहंकार सर चढ़कर बोलता है ना और उसे अपनी सत्ता बनाए रखनी होती है तो वह आतंक का विस्तार करता है, और जब जब आतंकवाद इस धरा पर बढ़ता है तब तब काली प्रकट होती है उसका अंत करने के लिए। उसके हाथ में वो खड़ग होती है जिससे वो अहंकारियों का, आतंकियों का सर धड़ से अलग करती है और इस धरा धाम को भय से मुक्त करती है। एक बहुत अहम प्रश्न है भक्तों, ये सारे आयोजन सनातन धर्म के लिए किए जाते हैं, उसके अंतर्गत होते हैं, लेकिन हम उस धर्म को ही भूल गए हैं, इसीलिए आज हमारे समाज में धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हमसे कोई पूछे कौन से धर्म को मानते हैं, हम धर्म के नाम पर कितनी लंबी लिस्ट बता देते हैं। हमारे लिए धर्म बहुत सारे हो गए, परंतु हमारे शास्त्रों में तो 3, 4, 5, 6, 10 प्रकार के धर्मों की बातें नहीं की। वो शक्ति जब विविध रूपों में आई, वो अलग अलग रूपों में आई, हमने उन रूपों की ही आराधना करनी शुरू की और अलग अलग पंथ बना लिए, उनके नाम पे अलग अलग धर्म बना लिए। लेकिन वो धरती पर जब आए और उन्होंने जो उद्घोष किया, कहीं पर भी ये नहीं कहा, भगवान विष्णु ने नहीं कहा कि मैं जब धरा पर आऊंगा, भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष सबको पता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। धर्म संस्थापनार्थाय, क्या इससे पहले बोला वैष्णव धर्म की स्थापना के लिए आऊंगा? क्या महादेवी ने यह बोला मैं शाक्त धर्म की स्थापना के लिए आऊंगी? क्या महापुरुषों ने यह बोला हम अपने पंथ की स्थापना के लिए आएंगे? नहीं बोला ना, किसी ने नहीं बोला। तो हमने कैसे इंटरप्रेट कर लिया? हमारी बुद्धि है, गलत जगह पर लगाई, गलत मतलब पकड़ लिए। हमारे शास्त्रों में तो धर्म की एक ही परिभाषा दी गई है, एक धर्म की बात की है, वही धर्म सनातन है,
इटर्नल है, हमेशा से चलता आ रहा है, क्योंकि वो इस पूरी सृष्टि का इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन है। सृष्टि उस धर्म पर आधारित है, सूर्य उस धर्म का पालन करता है, रोज समय पर उगता है, चंद्रमा उस धर्म को जानता है, उस धर्म में स्थित है, इसलिए समय पर आता है। ये सृष्टि का इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशन है वो धर्म, और वो धर्म कुछ और नहीं है। उस धर्म को परिभाषित करते हुए हमारे शास्त्रों ने कहा, धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीता। धर्म तो उस ईश्वर, उस भगवती को साक्षात देख लेना है, दर्शन कर लेना है उसका। स्वामी विवेकानंद पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में गए थे और उन्होंने वहां पर रिलीजन के बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत सारे लोगों ने बड़े सारे वक्तव्य दिए, लेकिन जब स्वामी जी ने बोला तो जिज्ञासु उनकी बातें सुन के इतने प्रभावित हुए वो कि उनसे पूछा कि ये बताइए कि जिस धर्म की बातें कर रहे हैं वो धर्म क्या है, कैन यू डिफाइन इट फॉर अस? एंड ही सेड, रिलीजन इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड। एक सेंटेंस में परिभाषित किया, धर्म उस ईश्वर का, उस भगवती का जो कण कण में विस्तृत हो रही है, जो कण कण को संचालित कर रही है, उसे देख लेना ही धर्म है। उन्होंने साथ में ये स्पष्ट करने के लिए कह दिया कि किताबों को पढ़ लेना, शास्त्र ग्रंथों का रटन कर लेना, ये सब धर्म नहीं है। धर्म तो उस ईश्वर का दर्शन है। डॉक्ट्रिन्स और डॉग्मास ये सब धर्म नहीं है। हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और इसी को धर्म समझ लेते हैं कि हम धर्म का कार्य कर रहे हैं शास्त्रों को पढ़कर, परंतु वो शास्त्र पढ़कर अगर रख दिए तो क्या फायदा? आदि गुरु शंकराचार्य जी इसीलिए कहा करते थे, शब्द जालम महा अरण्यम चित्त भ्रमण कारणम। शब्दों में फंसकर धर्म को भूल गए, समझा ही नहीं कि वो शास्त्र क्या कह रहे हैं। हर शास्त्र कह रहा है कि वो ईश्वर, उसको देखो तब जानोगे धर्म को। और जानते हैं जब वो धर्म प्रकट होता है ना, तो अलगाव खत्म हो जाता है। जब वो धर्म प्रकट होता है तो भेदभाव खत्म हो जाता है। जब वो धर्म, जब वो ईश्वर एक मनुष्य अपने अंतर्घट में जान जाता है, उसे देख लेता है, तो फिर कोई भी वाद प्रतिवाद नहीं रहता। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी इसे एक छोटे से सरल से उदाहरण से समझाते हैं। एक बार एक गांव में हाथी पहली बार आया था और उस गांव में चार नेत्रहीन व्यक्ति रहते थे। उनके मन में भी हुआ कि हमें हाथी देखने जाना है, पर नेत्रहीन थे, देखते कैसे? स्पर्श करके ही देखना था। पहुंच गए, स्पर्श किया और बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि हमने हाथी देख लिया। वापस लौट रहे थे तो अब चर्चा कर रहे हैं, अरे हाथी तो ना बिल्कुल पंखे की तरह लगता है, एक ने कहा। दूसरे ने कहा, अरे क्या तूने स्पर्श किया था, हाथी तो एक रस्सी की तरह लगता है। तीसरे ने कहा, अरे नहीं तुम दोनों पता नहीं क्या देखकर आए हो, हाथी तो एक पाइप की तरह लगता है। अब चौथा कहता है, तुम तीनों ही गलत हो, हाथी तो एक स्तंभ की तरह होता है, तुमने ना जाने किस चीज को जाकर पकड़ लिया। अब चारों में वहां पर क्या हुआ, विवाद छिड़ गया, लड़ाई करने लगे। इतने में वहां से एक व्यक्ति, एक सज्जन पुरुष जा रहे थे, उन्होंने इस दृश्य को देखा और पूछा, आखिर क्यों लड़ रहे हो? जैसे ही पूछा तो अब चारों ने अपनी बात बता दी, और वो व्यक्ति समझदार था, वो समझ गया कि हाथी देखने तो गए थे पर दृष्टि तो है नहीं, तो इन्होंने क्या ही देखा होगा। तो अब उसने क्या किया, उन चारों को डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर को कहा कि इनकी आंखों को जरा चेक करें, क्या इनकी आंखें ठीक हो सकती हैं। अब क्योंकि वो दूर दराज के गांव में रहते थे, कार्य तो बड़ा सरल था, इसलिए उस डॉक्टर ने कहा, ठीक है इनकी तो आंखें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं, बस छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। उस व्यक्ति ने कहा, आप इन चारों का ऑपरेशन कीजिए। चारों का ऑपरेशन हुआ, नेत्र ज्योति आ गई। नेत्र ज्योति आई तो बड़े प्रसन्न, भूल गए किस बात से आए थे, लड़ाई झगड़ा क्या था, लेकिन वो व्यक्ति नहीं भूला। उस व्यक्ति ने कहा, मेरा धन्यवाद बाद में करना, चलो पहले मेरे साथ। चारों को लेकर गया और एक चिड़ियाघर में जाकर हाथी के समक्ष उसने खड़ा कर दिया और उसने कहा, ये है हाथी। अब चारों ने जैसे ही हाथी को देखा तो समझ गए
कि किसी ने उसकी टांग पकड़ी थी, किसी ने उसकी सूंड पकड़ी थी, किसी ने उसकी पूंछ पकड़ी थी और किसी ने उसके कान पकड़े थे। हाथी तो एक ही था लेकिन समझ में फेर था, इसलिए लड़ाई हो रही थी। ठीक यही हमारे समाज में हो रहा है, क्योंकि हमने उस ईश्वर को देखा नहीं है, मान रहे हैं बस, देखा नहीं है, इसीलिए लड़ाई झगड़े और मतभेद है। भगवानों में लड़ाई नहीं होती, लड़ाई हमने पैदा की है क्योंकि हम उस ईश्वर उस भगवती को देखते नहीं हैं। और इसीलिए हमारे समाज में आज आतंकवाद पनप रहा है। बातों से दूर नहीं हो सकता ये आतंकवाद। आतंकवाद को अगर इस समाज से खत्म करना है ना, तो महाकाली को प्रकट करना होगा, और महाकाली के हाथ में है वो खड़ग। जानते हैं वो खड़ग कौन सी है? वो खड़ग है ज्ञान की खड़ग, ब्रह्म ज्ञान की खड़ग। उस ब्रह्म ज्ञान से ही ये जो धर्म के नाम पर आतंकवाद विस्तृत हो रहा है, उसके मूल को काटा जा सकता है, उस नकारात्मकता का अंत हो सकता है। जब धर्म का प्रकटीकरण होता है तो वो प्रचंड प्रकाश है जिसके भीतर कोई कालिमा नहीं पनपती। और इसीलिए आज समय की मांग है एक ऐसी महाक्रांति जो उस ज्ञान को विस्तृत करे। और भक्तों, ये कॉन्सेप्ट जिसके माध्यम से आपके समक्ष लाए हैं, उन्होंने केवल कॉन्सेप्ट को नहीं रखा, दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी ने इस लीला की ये गहन जो गूढ़ रहस्य है उसे उद्घाटित किया। और महाराज श्री ने केवल रहस्य उद्घाटित नहीं किया, आई एम प्राउड टू टेल यू कि जब महाराज श्री ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की नींव रखी थी ना, वो समय था 1980 का दशक। पंजाब की भूमि इसी आतंकवाद से झुलस रही थी, धर्म के नाम पर पनप रहा था आतंकवाद, युवाओं को भ्रष्ट कर रहा था वो आतंकवाद। उस समय वहां से लोग पलायन कर रहे थे, लेकिन महर्षि ने उस समय उस पंजाब की भूमि पर अपने चरण रखे और वहां पर छेड़ दी वो आध्यात्मिक क्रांति, ब्रह्म ज्ञान की खड़क को लेकर महर्षि ने धर्म के वास्तविक अर्थ का प्रकटीकरण किया, धर्म का प्रकटीकरण मानव के भीतर किया। और असंख्य ऐसे युवा थे जो पदभ्रष्ट हो रहे थे, उन्हें महाराज जी ने सद्मार्ग की ओर प्रेरित कर दिया। और ये क्रांति वहां रुकी नहीं, महाराज श्री ने भारत की सबसे बड़ी जेल, एशिया की सबसे बड़ी जेल तिहाड़ जेल में, जहां पर हार्डकोर क्रिमिनल्स आते हैं जो इस समाज के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनको महाराज श्री ने इस ज्ञान से परिवर्तित कर दिया। महर्षि ने अपने प्रचारकों के दल को उस तिहाड़ जेल में भेजा, वहां उनकी काउंसलिंग की और उसके बाद ब्रह्म ज्ञान जब दिया तो तिहाड़ जेल ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को वहां पर आश्रम बनाने को कहा। वहां पर उन कैदियों ने बैठकर ध्यान साधना की और जो कल तक मंसूबे बनाते थे समाज का विध्वंस करने के लिए, वो रिफॉर्मर्स बन गए। वो जब वहां से रिलीज हुए तो समाज सेवा में रत हो गए। ये परिवर्तन धर्म के प्रकटीकरण से आता है और ये परिवर्तन ब्रह्म ज्ञान से संभव करके दिखाया है आज इस समय में महर्षि ने। भक्तों, जब उस धर्म को एक एक इकाई जानेंगे ना, हम कहते हैं सनातन धर्म के लिए हमें कुछ करना है, तो अगर आप सनातन धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सनातन धर्म को पहले अपने अंतर्घट में प्रकट कीजिए। उस धर्म का प्रकटीकरण अपने भीतर करेंगे तो आप सनातन धर्म के विस्तारक, उसके कीर्ति स्तंभ बन जाएंगे। वो सनातन धर्म जब घट के भीतर प्रकट होता है, जब वो ज्ञान प्रकट होता है, हम चाहते हैं हमारे समाज में एकता हो, सद्भावना हो, हम लोगों को समझाते हैं पर आ गई क्या? महर्षि कहते हैं क्यों नहीं आती? महर्षि कहते हैं ये एकता, सद्भावना, कंपैशन, प्रेम, ये सब कुछ ब्रह्म ज्ञान के वृक्ष पर लगने वाले फल हैं। इसीलिए महर्षि कहते हैं अगर समाज में धर्म की स्थापना करनी है, समाज को सुगठित करना है, तो फिर ब्रह्म ज्ञान के बीज को जन जन में बोना होगा। जब ब्रह्म ज्ञान का बीज लगता है और उस पे उसकी ध्यान साधना की जाती है तो अपने आप ये प्रेम, दया, सौहार्द, बंधुत्व सब कुछ अपने आप प्रकट हो जाता है। भक्तों, इसीलिए वो ब्रह्म ज्ञान का विस्तार दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जन जन के भीतर कर रहे हैं। और यही इसी ब्रह्म ज्ञान के आधार पर, इसी का विस्तार कर हर युग में वो शक्ति जब आई तो उसने अहंकार के साम्राज्य का ध्वंस किया, समाज में धर्म की स्थापना की। और आज जहाँ पे अब हमने माँ के इस अहंकार मर्दिनी स्वरूप के बारे में सुना है, तो भक्तों,
जहां वो अहंकार का मर्दन करने आती है माता महासरस्वती, वहीं पर उनका एक करुणामयी स्वरूप भी है जिसे लेकर वो अपनी संतानों पर कृपा लुटाने आती हैं। आज अब हम उस दूसरे स्वरूप के बारे में भी सुनेंगे। जानते हैं वो स्वरूप कौन सा है? वो स्वरूप है माँ का सद्गुरु रूपिणी स्वरूप। माता महासरस्वती, जिनकी पूजा हम बचपन से करते आए हैं, हम उन्हें वीणा पुस्तक धारिणी बोलते हैं, हम उन्हें विद्या की प्रदायिनी बोलते हैं। वो वीणा पुस्तक धारिणी, वो विद्या की प्रदायिनी, वह कौन सी विद्या को प्रदान करती है भक्तों? कौन सी विद्या को प्रदान करती है जानते हैं आप? इस संसार की जितनी भी विद्या है उसकी प्रदायिनी भी माँ सरस्वती है। स्कूल जाते थे तो सुबह सुबह माँ सरस्वती की प्रार्थना करते थे, क्यों? क्योंकि वो विद्या की प्रदायिनी है। परंतु भक्तों, इस संसार की जितनी भी विद्या है ना, इसको हमारे महापुरुषों ने अविद्या कहा। हमारे ग्रंथों में दो प्रकार की विद्या की बात आती है, एक है पराविद्या और दूसरी है अपराविद्या। अपराविद्या वो है जो इस संसार का समस्त ज्ञान है, और इस अपराविद्या को हमारे उपनिषदों ने अविद्या कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो विद्या की परिभाषा देते हैं, और वो विद्या की परिभाषा क्या देते हैं? वो कहते हैं विद्या क्या है? सा विद्या या विमुक्तई। विद्या तो वह है जो मुक्त करे। विद्या ददाति विनयम। विद्या तो वह है जो विनम्रता लाए। लेकिन जब हम इस संसार की विद्या अर्जित करते हैं, तो अभी अभी हमने सुना कि संसार की विद्या अर्जित करते हैं तो अभिमान आ जाता है, हमें लगता अब हमें सब कुछ आता है, किसी की बात नहीं सुनते। तो इसका मतलब वह विद्या जो उस अभिमान से मुक्त करती है वो क्या है? वो है पराविद्या। उसी को बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान। उस ब्रह्म ज्ञान की प्रदायिनी है सद्गुरु रूपिणी माँ सरस्वती। और जब वो ज्ञान प्रदान करती है, वो सद्गुरु रूप में आती है, तो वो जीवन का कैसा कल्याण करती है, आइए हम उसको भी जानते हैं, उस कथा प्रसंग को भी समझते हैं। ये गाथा है माँ की एक शिष्या लीलावती के जीवन की। और लीलावती कोई साधारण महिला नहीं थी, वह एक रानी थी। वह राजा पद्म की पत्नी रानी लीलावती अत्यंत धर्मज्ञ थी, और राजा पद्म और रानी लीलावती का आपस में बहुत प्रेम था। रानी लीलावती सदैव अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उनके साथ उनके कार्यों में सदैव व्रत रहती। लेकिन लीलावती के मन में एक भय था। उसे हमेशा ये भय सताता कि कहीं मेरे पति राजा पद्म, वो राजा हैं, कहीं कभी ऐसा हुआ कि वह मेरे जीवन से दूर चले गए, किसी युद्ध में गए और वहाँ से लौटे ना, तो फिर क्या होगा मेरा। और उसको इतना प्रेम था, वो इतनी आसक्त थी अपने स्वामी के साथ कि जब जब भी उसके मन में ये ख्याल आता तो दिनों दिनों तक वह इस शंका में डूबी रहती, इस दुख में डूबी रहती। और इस दुख का प्रभाव उसके जीवन पे पड़ने लगा। तो एक दिन उसकी भेंट कुछ संतों से हुई। उन संतों ने उसे कहा कि तुम माँ सरस्वती का पूजन करो, उनका आराधन करो, उन्हें पुकारो। और तब लीलावती ने सोचा कि इस डर से तो मैं रोज़ ही ग्रस्त होती हूँ। तो उस समय लीलावती ने माँ सरस्वती की आराधना करनी प्रारंभ कर दी। रोज़ नियम से माँ का पूजन करती है, और करते करते माँ के पूजन में उसका मन मगन होने लगा। और एक दिन अब वो माँ का पूजन करते हुए किस प्रकार से माँ से अपने इन दुखों से मुक्ति के लिए, वर प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कर रही है, आइए हम भी उसकी प्रार्थना में अपने स्वर जोड़ते हैं। आए भक्तों, बोलिए जगत जननी माँ भवानी की जय, गो माता की जय, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय। आदरणीय कथा व्यास जी से अनुमति चाहेंगे भारतीय संस्कृति का वहन करने हेतु। आग्रह करेंगे आज के प्रमुख मुख्य दैनिक यजमानों से कि दीप प्रज्वलन हेतु आप मंच के समीप आएं। आज प्रमुख यजमान हैं श्रीमती बिमला बाई जी एवं सुपुत्र श्री अमित अग्रवाल जी, श्रीमती कौशल्या देवी जी एवं सुपुत्र श्री विनोद बंग जी एवं प्रमोद बंग जी, मुख्य यजमान श्री नरसिंह दास सारंगड़ा जी एवं श्री भगवान दास सारडा जी,
श्री ताराचंद सोनी जी एवं श्रीमती कौशल्या देवी जी, सुपुत्र श्री शैलेश सोनी जी एवं श्री रूपेश सोनी जी, श्री सनंत विक्की दास जी एवं श्री प्रशांत पैन दास जी, दैनिक यजमान हैं श्रीमती कमला देवी जी एवं श्री बाखर राम कुमावत जी, कुमाल समाज अध्यक्ष, श्रीमती बीना यादव जी एवं श्री विनोद यादव जी एवं श्रीमती दीक्षा गुप्ता जी एवं श्री सचिन गुप्ता जी, श्रीमती परमा देवी जी एवं श्री हरी हरजी राम कुमावत जी, श्रीमती तीजी देवी कुमावत एवं श्री पप्पू राम जी कुमावत जी। उत्सव यजमान हैं आज के श्रीमती सुखी देवी जी कुमावत एवं श्री मिश्री लाल जी कुमावत, श्रीमती डी शांता जी एवं डी रामा राव जी। आज के गणमान्य अतिथि इस प्रकार हैं। आप सबसे भी आग्रह है मंच के समीप आएं दीप प्रज्वलन हेतु। श्री सुशील तोतला जी, श्री नीरज जायसवाल जी, श्री ललित अग्रवाल जी, श्री गोकुल बजाज जी, श्री गणेश अग्रवाल जी, श्री कोटला वेंकट रेड्डी जी हैं एसीपी साहब, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। मंच के समीप आएं। श्री सुरेश कुमार माली जी, अध्यक्ष माली समाज, आपका भी स्वागत है। मंच के समीप आएं। श्री ओम प्रकाश बंग जी एवं श्री आनंद सांगी जी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मंच के समीप आएं दीप प्रज्वलन हेतु। आदरणीय कथा व्यास जी से आग्रह करेंगे, वह आगे की हमें कथा का रसपान कराएं। धन्यवाद। आइए भक्तों, माँ के श्री चरणों में अपना ध्यान लगाते हैं और लीलावती आज जो प्रार्थना माँ के समक्ष लग रही है, हम भी उसमें अपने स्वरों को जोड़ते हैं। Gaba gaba ni sa gari sa ni pagari sa ni sa gaba gaba ni.
समक्ष बैठी है, माँ की मूर्ति के समक्ष बैठकर प्रार्थना कर रही है और यही कह रही है, माँ तुम तो सब पर कृपा करती हो ना, उन संत ने मुझे कहा था कि तुम मुझ पर भी कृपा करोगी, हे माँ मुझे भी मेरे इस जीवन के भय से मुक्त कर दो, मुझे भी मुझ पर भी ऐसी ही कृपा कर दो। और उस समय लीला की उस लगन को देखकर माँ सरस्वती उसके समक्ष प्रकट हो जाती हैं। आज सद्गुरु रूप में आई हैं और माँ सरस्वती लीला को वो ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान प्रदान करती हैं। लीला को समझाती है ये ब्रह्म ज्ञान ये हर भय से तुम्हें मुक्त करेगा, इस ब्रह्म ज्ञान का अवलंब लेकर तुम ध्यान साधना करो और फिर जीवन में जो होगा वो उचित ही होगा। जीवन के लक्ष्य के बारे में बता दिया माँ ने, वह श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर दिया और माँ वहाँ से अंतर्धान हो गई। इधर लीला उसे वो ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को प्राप्त कर अब वो निरंतर ध्यान साधना करती, अपने समस्त कार्यों का निर्वाह कर रही है, जीवन सुख से बीत रहा है, नियमित ध्यान साधना कर रही है। और करते करते एक दिन सभा में एकाएक एक दूत आया, दौड़ता हुआ आया और राज्य सभा में उसने कहा, राजा पद्म हमारे इस देश पर पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया है और आज अब हमें अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तत्क्षण जाना होगा। आज राजा पद्म ने अगले ही क्षण समस्त सेना नायकों को कहा, जाओ जाके सेनाओं को सज्ज कर लो। और आज समस्त सेना को लेकर राजा पद्म युद्ध भूमि की ओर बढ़ गए। अपने राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा में वो रत हैं, युद्ध प्रचंड हो रहा है और युद्ध चलता ही चला जा रहा है। एक दिन उस युद्ध भूमि में राजा पद्म को इतने आघात लगे कि वह उस युद्ध भूमि में ही गिर गए। जैसे ही मंत्रियों ने सेनापतियों ने यह देखा, उन्हें तत्क्षण चिकित्सा गृह में लेकर जाया गया। आज चिकित्सा गृह में लेकर गए और वहाँ पर उनका उपचार करना प्रारंभ किया गया, परंतु उपचारकर्ताओं ने उन वैद्यों ने जब उनका निरीक्षण किया तो आज जीवन का कोई संकेत नहीं है उनकी देह में। और यूँ बहुत समय तक प्रयास करने के बाद सभी वैद्यों ने कहा कि राजा पद्म अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही मंत्रियों को ये सूचना मिली, बिना किसी को बताए, क्योंकि सीमा पर युद्ध चल रहा है, वो राजा पद्म की देह को राजमहल ले आए। राजमहल में रानी लीला को जैसे ही बताया कि राजा पद्म उनकी मृत्यु हो गई है, तो आज रानी लीला जो इस भय से सदैव ग्रसित रहती थी, उसने ये सुना और वो मूर्छित होकर अपने कक्ष में गिर गई। जैसे ही होश आया, लीला दौड़ती हुई राजा पद्म की देह के समक्ष गई और उन्हें पुकार रही है, उठिए राजा पद्म उठिए, आप मुझे यूं छोड़ के नहीं जा सकते, बारंबार पुकार रही है। लेकिन राजा पद्म कैसे उठे, राजा पद्म तो अपनी देह त्याग चुके हैं। लीला बार बार प्रयास कर रही है और एकाएक उसे स्मरण हो आता है अपनी सद्गुरु रूपिणी माँ माँ सरस्वती का। आज लीला माँ सरस्वती को पुकारती है, उन्हें उल्हाने दे रही है, माँ तुमने तो कहा था इस ज्ञान को प्राप्त कर जीवन में जो होगा वो शुभ होगा, फिर मेरे जीवन में ये संकट कैसा आ गया, कहाँ हो तुम माँ, आओ आओ और मेरे जीवन का रक्षण करो, आओ और मुझे इस विपदा से निकाल लो माँ, मेरे स्वामी को जीवित कर दो माँ। आज जब लीला ने ये स्वर छेड़ा तो वह सद्गुरु रूपिणी माँ उसके समक्ष उसके कक्ष में प्रकट हो जाती हैं। आज लीला माँ को देखती है और दौड़ती हुई जाती है, उनके चरणों में नतमस्तक होती है और बार बार यही कह रही है, माँ तुम आ गई, मेरे स्वामी को पुकारो माँ, उन्हें उठा दो, तुम उन्हें जीवित कर सकती हो। परंतु माँ आज ना वरदान देती है, ना मस्तक पर हाथ रखती हैं, अपितु निष्ठुर होकर सख्त वचनों में कहती है, लीला ये क्या कर रही है, कुछ तो सुध ले, तेरे राज्य पर संकट आया है, तू तो अपने कर्तव्य को ही भूल गई, तुझे ये ज्ञान दिया था, इस ज्ञान का अवलंब ले लीला,
ये ज्ञान तुझे हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा और उत्साह देगा। तूने तो इस ज्ञान को ही छोड़ दिया, मृत्यु तो आनी ही है एक दिन जीवन में। आज माँ का एक एक शब्द प्रहार की तरह लग रहा है लीला को, और जैसे जैसे माँ उसे समझा रही है लीला की मूर्छा टूट रही है, लेकिन आसक्ति गहरी है अपने स्वामी के साथ। कहती है, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं समझ गई हूँ तो मुझे क्या समझाना चाहती हो। तुमने मुझे मेरे कर्तव्य का बोध तो करवा दिया, लेकिन माँ मैं क्या करूं, मैं नहीं भूल पा रही। अपने स्वामी के बिना जीवन की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। मेरी मदद करो माँ, मेरी मदद करो। वो सतगुरु करुणा के सागर होते हैं, वो अनंत करुणा का सागर एक व्यक्तित्व में सिमट कर जब इस धरा धाम पर आता है ना, तो जीवन में जिन शिष्यों को उनका सानिध्य मिलता है, उनके जीवन में करुणा की रसधार को प्रवाहित करते हैं वो निरंतर। इसलिए माता भी करुणा स्वरूप में आ जाती हैं, मस्तक पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, लीला चिंता मत कर, बस मेरी आज्ञा को शिरोधार्य कर और जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसी करती चली जा, सब उचित होगा, सब शुभ होगा। आज माँ ने लीला को आज्ञा दी, अब अपने पति राजा पद्म की देह को कमल के पुष्पों से ढकने का बंदोबस्त करो और उसके बाद ध्यान की अवस्था में बैठ जाना, फिर मैं जैसा जैसा कहूँगी वैसा ही करना है। रानी लीलावती दीवार को देखकर प्रणाम करती है और तत्क्षण अपने मंत्रियों को कहती है, मंत्रियों जाओ राजा पद्म की देह को ढकने के लिए कमल के पुष्प ले आओ। उन मंत्रियों को तो केवल दीवार दिख रही थी, लेकिन रानी लीलावती तो अपने माँ के दर्शन कर रही थी जो वो पकड़ नहीं पाए। इसलिए वो कहते हैं, रानी आप ये क्या करने जा रही हैं, लोकचर्या के विरुद्ध है, सब अपमान करेंगे हमारा और वैसे भी राज्य पर तो संकट आया है। रानी कहती है, तुम बस जाओ मेरी आज्ञा का पालन करो, कमल के पुष्पों को लाओ। कमल के पुष्प लाए जाते हैं, रानी लीलावती कमल के पुष्पों से राजा पद्म की देह को ढक देती है और अब ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में निमग्न हो जाती है। नेत्र मुंदे हैं, हृदय माँ को पुकार रहा है और आज माँ को कहती है, माँ दर्शन दो मुझे, अपने साक्षात दर्शन दो मुझे। माँ तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई और सहारा नहीं है, तुम ही आकर मुझे थाम लो। इस विपत्ति काल से मैं खुद नहीं बाहर निकल सकती, मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं इस गम को झेल जाऊं, तुम ही आकर मुझे संभाल लो माँ। और उसकी ऐसी आर्त पुकार को सुनकर माँ आज उसके समक्ष कक्ष में प्रकट होती हैं। लीला के नेत्रों से अविरल अश्रु धारा बह रही है और इधर माँ अपनी शिष्या को यूं रोते हुए देखती है तो उसके मस्तक पर हाथ रखती है और कहती है, लीला नेत्र खोल, मैं तेरे समक्ष हूँ। मैंने तुझे कब अकेला छोड़ा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहती हूँ। नेत्र खोल और देख मुझे। लीला जैसे ही माँ को देखती है, माँ के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोती है। भक्तों, इस संसार के सारे सहारे एक ओर और उस भगवती का, वो जब सदगुरु बन के आती है, उस सहारे के बारे में तो हर शब्द छोटा है। इस संसार के सहारे जिन्हें हम बनाते हैं, जिन्हें हम पोषित करते हैं, जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं, वो सहारे जब गम आता है, दुख आते हैं, वो सहारे कितने हमारे काम आते हैं ये हम जानते हैं। कुछ तो इस संसार में ही हमारा साथ छोड़ देते हैं और कुछ मृत्यु के गाल में समा जाते हैं और हमारा उनसे नाता टूट जाता है। उनकी तो कोई गारंटी नहीं है, परंतु इस संसार में एक सहारा ऐसा है जो 100% गारंटी के साथ आता है। 100% भी कम लगता है कहना, 200% गारंटी के साथ आता है। वो कभी आपको नहीं छोड़ेंगे। अगर जीवन में एक पूर्ण सद्गुरु आ गए ना, पूर्ण तत्व वेता सद्गुरु आ गए, तो समझ लेना कि अब जीवन में फूल प्रूफ इंश्योरेंस हो गई है।
हम इंश्योरेंस अपने विकट समय के लिए करते हैं, लेकिन जब जीवन में पूर्ण सद्गुरु आते हैं ना, तो समझ लेना कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो सद्गुरु हैं जो आते ही धरा पर इसलिए हैं कि वो अपने शिष्यों का उत्थान कर सकें। उनका तो जीवन अपने शिष्यों के लिए समर्पित होता है। इस संसार में हर व्यक्ति अपने लिए जीता है, परंतु अगर कोई हमारे लिए जीता है ना, तो वो होते हैं सद्गुरु। वो देखने में सामान्य व्यक्तित्व लगते हैं, परंतु वो साधारण नहीं होते। वो जो ईश्वर का दर्शन इस घट में करवाते हैं, वो स्वयं परब्रह्म ही होते हैं। वो शक्ति स्वयं आती है धराधाम पर सद्गुरु बनकर। और जिनके जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं, फिर संकट से मुक्त रहते हैं वो। संकट आए तो गुरु आते हैं उन्हें संभालने के लिए। द्रौपदी के सारे रिश्ते नाते उसके समक्ष खड़े थे जब उसका चीर हरण होने वाला था, लेकिन उसके गुरु भगवान श्री कृष्ण, उसके सखा, परम सखा, वो वहां नहीं थे। परंतु कैसे जड़ साड़ी के रूप में प्रकट हो गए उसकी रक्षा करने के लिए। क्या कोई संसार का व्यक्ति कर सकता है हमारे लिए ऐसा? नहीं कर सकता। एक गुरु करते हैं, गुरु करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी विदेश में है, रामकृष्ण परमहंस जी इस देह को त्याग चुके हैं, महासमाधि ले ली उन्होंने, लेकिन वहां उस विदेश में जब स्वामी विवेकानंद जी को विष का पान कराने के लिए एक कॉफी के कप में विष डालकर दिया जाता है, तो वहां पर उनके अंतर्घट में रामकृष्ण परमहंस जी की आवाज प्रकट होती है और कहते हैं, नरेंद्र छोड़ दे इसको। बाद में पता चलता है कि कॉफी के कप में जहर मिला हुआ था। कोई आ सकता है ऐसी रक्षा करने के लिए? वो सद्गुरु साधारण नहीं होते, ना इस देह में बंधे होते हैं, ना काल की सीमा में बंधे होते हैं। वो तो एक शक्ति है जो साकार होकर आती है अपने शिष्यों के कल्याण के लिए, और जिन्हें उनका सानिध्य मिल गया, फिर उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं, किसी चिंता का कोई कारण नहीं। ऐसी सद्गुरु रूपिणी माँ मिली है लीलावती को, और आज लीलावती जब माँ को अपने समक्ष देखती है, तो माँ कहती है, लीला चल व्यर्थ रो मत, आज मैं तुझे अब एक ऐसी यात्रा पर लेकर जाऊंगी जिस यात्रा में मैं तुझे तेरे समस्त कर्म बंधनों से मुक्त कर दूंगी। कर्म बंध विदाहिनी कहा जाता है माँ सरस्वती को, और सद्गुरु को भी ये कहकर संबोधित किया जाता है। सद्गुरु रूपिणी माँ आई हैं आज कर्मों से मुक्त करने के लिए, कर्मों के लेके जोखे से लीलावती के जीवन को मुक्त करने। माँ अब उसे उसके मस्तक पर हाथ रखती हैं, और आज जिस यात्रा पर जाना है वो बाहर की यात्रा नहीं है, वो अंतर की यात्रा है। माँ उसके मस्तक पर हाथ रखती है और लीला को निर्विकल्प समाधि दे देती है। आज निर्विकल्प समाधि की अवस्था में उसका सूक्ष्म देह स्थूल देह से अलग होता है, और अब वह एक दिव्य यात्रा पर निकलते हैं। माँ एक विमान को बुलाती हैं, उस विमान में बैठकर वह दोनों उस यात्रा पर चलते हैं। भक्तों, एक है बाहरी जगत और एक होता है अंतर जगत। आज माँ लीला को अंतर जगत की यात्रा पर लेकर गई हैं, और अंतर जगत की यात्रा का स्पेस स्टेशन जो है ना, जो एयरपोर्ट है, वो ये है, ये स्थल। इस स्थल से वो यात्रा प्रारंभ होती है। जब सद्गुरु ज्ञान देते हैं तो इस स्थल में, इसे आज्ञा चक्र कहते हैं, इस सेंटर को एक्टिवेट कर देते हैं, और आज माँ ने लीला को इसी सेंटर के माध्यम से अब वो उसको उस यात्रा पर लेकर जा रही हैं। आज जैसे जैसे वह उस विमान में बैठते हैं, वो विमान ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठता जा रहा है, और अब माँ कहती है, जानती है लीला ये स्थल कौन सा है? ये चिन्मय आकाश है, और इस चिन्मय आकाश में स्थूल जगत के सभी दृश्य समाहित हैं। जैसे ही लीला सुनती है स्थूल जगत के सभी दृश्य यहाँ पर हैं, सब कुछ यहाँ पर है, तो वो कहती है, माँ क्या इसका मतलब यह है कि मेरा राजमहल भी यहाँ पर है? तो माँ कहती है, हाँ। अगले ही क्षण माँ उस विमान को आदेश देती है, और वो विमान उस स्थल पर जाकर रुक जाता है जहाँ पर सामने राजा पद्म और रानी लीलावती की सभा लगी हुई है। वो देखती है राजा पद्म सिंहासन पर बैठे हैं, और लीला जैसे ही उन्हें देखती है, वो द्रुत गति से भागती हुई
वहां उनके साथ वाले आसन पर जाकर बैठ जाती है। लेकिन आज उसे बड़ा क्रोध आ रहा है। माँ कहती है, क्रोधित क्यों है लीला? लीला कहती है, पूरा राज्य सभा पार करके मैं आ गई, परंतु इन मंत्रियों ने तो मेरी जय जयकार ही नहीं की। आज माँ कहती है, लीला ये सूक्ष्म जगत है, ये सब तुझे नहीं देख पा रहे, तेरी सूक्ष्म देह को ये नहीं देख पा रहे, इसलिए बस तू इस दृश्य को देख और फिर यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अब वो वहाँ पर स्थित है, वो देखती है वही घटना जो धरती पर घटी थी वो फिर से घटती है। एकाएक दूत आता है और दूत कहता है युद्ध छिड़ गया है, युद्ध की सूचना मिलती है और राजा पद्म जो है वो दौड़ते हुए युद्ध के लिए बढ़ते हैं। इधर लीला जो है उनके पीछे दौड़ती हुई भागती है, आज रो रही है और पुकार रही है, मत जाइए स्वामी मत जाइए। तभी लीला को माँ खींचती है और माँ कहती है, लीला ये घटना घट चुकी है, ये स्मृति आकाश है, जो घटनाएं घट गई है उसको तूने फिर से यहाँ पर जिया है देखा है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, तुझे तेरी आसक्तियों से मुक्त करने में यहाँ लाई हूँ, तू तो फिर आसक्त हो रही है। इतना सुनना था कि लीला फूट फूट कर रोती है और कहती है, माँ मैं क्या करूँ, मैं अपने स्वामी को नहीं भूल सकती। जैसे ही उनकी छवि सामने आती है, उनकी याद आती है, मैं उन यादों में बहने लगती हूँ, मैं क्या करूँ, मैं उन्हें नहीं भूल सकती। माँ कहती है, लीला तेरी इसी आसक्ति के कारण, ये आसक्तियाँ ही हैं जो एक मानव को आवागमन के चक्र में बांधते हैं, और तुझे इस आसक्ति से मुक्त करने मैं इस यात्रा पर लेकर आई हूँ। रोना बंद कर, चल आगे बहुत से लोग हैं मैंने जो तुझे दिखाने हैं। माँ आज उसे विमान पर आरूढ़ कर अब एक अगले लोक में लेकर जाती हैं। उस लोक में आज लीला को जब लेकर जाती है तो माँ कहती है, लीला जाकर जरा इस लोक के कपाट के भीतर झांक कर तो देख ये कौन सा लोक है। आज जैसे ही लीला उसके कपाट खोलकर झांकती है तो वो लोक बहुत ही दिव्य लोक था। उस लोक में बहुत सारे ऋषि मनीषी ध्यान साधना कर रहे थे और असीम शांति का प्रभाव उस लोक से हो रहा था। लीला तो उस लोक के स्पंदन को प्राप्त कर प्रसन्न हो जाती है, मानो कुछ क्षणों के लिए वो भूल गई कि वो कहाँ है। वो इतनी मग्न होती है उन ऋषियों को देखकर, उसे इतनी प्रसन्नता होती है कि दौड़ती हुई माँ के पास अब आती है और कहती है, माँ ये तो बड़ा दिव्य लोक है, ये कौन सा लोक है? माँ कहती है, ये जप लोक है। मेरी वो संतानें जो इस ज्ञान की ध्यान साधना ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना धरा धाम पर करते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो मैं उन्हें ये जप लोक प्रदान करती हूँ। यहाँ पर रहकर वो अपने शेष कर्मों से भी मुक्ति प्राप्त करते हैं, और जब वो इस लोक में अपने शेष कर्मों से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तब मैं उन्हें परम धाम दे देती हूँ, वो मेरे ही धाम को प्राप्त कर लेते हैं, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। माँ कहती हैं, माँ की ये बात सुनकर लीला कहती है, माँ आपने भी मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया है, तो उस ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना अगर मैं करूँगी तो मृत्यु के बाद मुझे भी परम धाम मिलेगा। माँ कहती है, ध्यान साधना निरंतर होनी चाहिए, अगर तू इस आसक्ति में पड़ी रही ना लीला तो फिर तू अपने इस अवसर से चूक जाएगी। वो ब्रह्म ज्ञान ही भक्तो युक्ति है, माँ उद्घाटित कर रही है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर जब मानव अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ता है तो फिर वो इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है। अन्यथा इस संसार में रहकर हम जितने भी अच्छे कर्म कर लें, वो सारे अच्छे कर्म भी क्या है, वो हमें स्वर्ग का सिंहासन तो दिला सकते हैं जैसे नहुष को दिलाया, परंतु जब वो अच्छे कर्म खत्म होंगे तो वापस आवागमन के इस चक्र में गिरना पड़ेगा। मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है, प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी के साथ वन गमन में एक स्थान पर बैठे हुए थे, और जहाँ उस वन प्रदेश में उस स्थान पर बैठे थे तो एक दिन प्रभु श्री राम बड़ी गौर से एक दृश्य एक दिशा की ओर देख रहे थे। लक्ष्मण ने पूछा, भ्रात प्रभु आप किस ओर देख रहे हैं, किसे देख रहे हैं? इतना सुनना था कि प्रभु ने कहा, लक्ष्मण देखो एक छोटी सी चींटी की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ये चींटी देख रहे हो बार बार ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रही है,
वो चींटी चढ़ने का प्रयास करती थी, गिर जाती थी, फिर चढ़ने का प्रयास करती थी। तो अब प्रभु कहते हैं, जानते हो अभी कुछ ही समय पहले ये स्वर्ग के आसन पर बैठा इंद्र था, लेकिन अब इसके अच्छे कर्म खत्म हुए तो वहां से ये सीधा इस चींटी की योनि में आ गया है। भक्तों, हम भी 84 लाख योनियों का सफर तय करके इस मानव तन को हमने प्राप्त किया है, और ये मानव तन वो महान अवसर है जिस अवसर को अगर हमने लाभ उठाया तो हम इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा हम पुण्य जो कर रहे हैं वो भी बेड़ी की समान ही है, वो भी ग्रेविटी के समान ही है, वो भी माया की बेड़ी है जो हमें खींच लेगी वापस एक दिन। अगर जैसे इस अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, अगर आप कुछ भी ऊपर फेंकोगे वो नीचे गिरेगा गिरेगा, लेकिन एक रॉकेट को जब स्पेस में लॉन्च करना होता है तो क्या करते हैं, उसे एस्केप वेलोसिटी देते हैं, इतना फ्यूल उसके साथ बांध देते हैं, और उस फ्यूल को लेकर जब वो उड़ता है तो वो इस ग्रेविटी को मात देता है और फिर वो स्पेस में पहुंच जाता है। ठीक ऐसे ही कि संसार के बंधन, आसक्तियां, हर प्रकार का जो कर्म हम कर रहे हैं, ये वो ग्रेविटी बनाता है जो वापस हमें संसार की ओर खींचता है। मृत्यु के बाद हमारे परिवार जन तो हमें जला देते हैं, लेकिन जो आत्मा है जिसने आसक्ति के बंधन बांधे हैं, वो बार बार इस संसार के रिश्तों को याद करती है और वापस इस आसक्ति के कारण, इस ग्रेविटी के कारण इस आवागमन के चक्र में आ जाती है। अगर इससे बाहर निकलना है तो हमें भी एस्केप वेलोसिटी चाहिए, और वो एस्केप वेलोसिटी कैसे आती है, ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना से। ब्रह्म ज्ञान से वो एस्केप वेलोसिटी मिलती है और फिर मानव इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है। भक्तों, माँ ने आज जब लीला को यह रहस्य समझाया तो लीला, उसे समझ आ रहा है कि उसे क्या, कौन सा ज्ञान मिला है। अब माँ कहती है, लीला चल विलंब मत कर, तुझे एक और लोक में लेकर चलती हूँ। माँ लीला को ले गई ब्रह्म लोक में। ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी के समक्ष ऋषि बैठे हैं और आज संवाद चल रहा है, और ब्रह्मा जी उन ऋषियों से पूछते हैं, ऋषियों क्या आप जानते हैं वो मानव जिन देवों के समक्ष झुकते हैं, संसार में झुकते हैं उन देवों के समक्ष कुछ वरदान प्राप्त करने के लिए, वो देव जब उस भगवती के समक्ष झुकते हैं तो वो क्या मांगते हैं। ऋषियों ने प्रश्नवाचक दृष्टि से जब देखा तो ब्रह्मा जी ही उद्घाटित करने लगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, जब वो देव उस भगवती के समक्ष झुकते हैं तो वो मांगते हैं मानव का तन, वो मानव की देह मांगते हैं। आज जब लीला ने ये सुना तो वो तो समझ गई कि मानव का तन क्यों मांगते हैं। भक्तों, लेकिन हमें भी समझना है ना, वो मानव का तन क्यों मांगते हैं, क्योंकि ये मानव का तन ही वो साधन है जो हमें इस आवागमन के चक्र से मुक्त करवा सकता है। एक बार दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाराज श्री, मानव तन महान है या देव योनि महान है। तब उस समय महाराज श्री ने कहा, अगर यूं देखे तो देव श्रेष्ठ है मानव से, लेकिन मानव का तन कैसा है, लोहे के समान है, और देवों की योनि कैसी है, चांदी के समान है। अब जो देवों की योनि है वो चांदी के समान है और मानव का तन लोहे के समान है, अगर इन दोनों के समक्ष पारस पत्थर को ले आया जाए तो पारस का पत्थर जब स्पर्श करता है चांदी के साथ तो कुछ नहीं होता, लेकिन वही पारस का पत्थर जब लोहे का स्पर्श करता है तो वो कंचन हो जाता है, वो स्वर्ण में तब्दील हो जाता है। इसीलिए यूं तो देव योनि श्रेष्ठ है, लेकिन मानव तन की महिमा इसलिए गाई गई क्योंकि जिसके पास ये मानव का तन आ गया, और अगर इस मानव के तन को प्राप्त कर उसके जीवन में सद्गुरु आ गए, उसके जीवन में सद्गुरु आए और सद्गुरु ने उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान दे दिया, तो फिर वो श्रेष्ठ अतिश्रेष्ठ बन जाता है। इसलिए देव मांगते हैं मानव का तन, और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास वो मानव का तन है। भक्तों, आज माँ लीलावती को यही समझा रही है, तू व्यर्थ के विलाप को कर रही है,
तू अपनी इस महान पूंजी को, अपने इस महान जीवन को आसक्ति में पढ़कर अपने अवसर को गवा रही है। और आज जब लीला को यह एहसास होता है कि उसके जीवन में वो सद्गुरु आए हैं जो जीवन को बदल कर रख सकते हैं, तो उसे महसूस होता है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही थी। अब माँ कहती है, लीला विलंब मत कर, अभी हमारी यात्रा खत्म नहीं हुई है, अभी तो यात्रा का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहता है। अब माँ ने लीला को उस यात्रा के अगले पड़ाव की ओर माँ लीला को ले गई। माँ कहती हैं, अब हमने ये वाले लोग तो देख लिए, अब मैं तुझे जहाँ पर लेकर जाऊँगी ना, वहाँ पर तुझे सब देख पाएंगे। इसे ध्यान रखना लीला कि अब तूने इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है, अब जैसा जैसा मैं कहूँ वैसा वैसा ही करना और कोई अलग व्यर्थ बात नहीं करनी। अब माँ क्या करती है, उस विमान को आज्ञा देती है और इस विमान को लेकर माँ उस विमान को कहाँ ले आती है, माँ उस विमान को एक कुटिया के समक्ष एक वन प्रदेश में लाकर खड़ा कर देती हैं। अब माँ कहती हैं, इस कुटिया में अब हम जाएंगे लीला, और ध्यान रखना जब हम इस कुटिया में जाएंगे तो तूने कुछ नहीं कहना है, कोई बात जितना मैं कहूँ बस उतना उतना करती जाना, उसके अलावा कुछ नहीं। अब यही सुन के जैसे ही माँ लीलावती को उस कुटिया में लेकर गई तो वहाँ पर एक वृद्ध जन थे, वो खाट पर लेटे हुए थे और वृद्ध थे इसलिए उन्हें दिख नहीं रहा था, देख नहीं पा रहे थे ज़्यादा, लेकिन उन्हें समझ आया कि दो देवियाँ आई हैं कुटिया में, तो वो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हैं, गोमती, अरे गोमती कहाँ हो, देखो ज़रा कौन आया है। आज जैसे ही उसकी पत्नी जो वृद्ध थी वो बाहर आई तो जैसे ही उन्होंने लीला को देखा कहने लगी, अरे सासू माँ, हैरान हो गई, ये यहाँ पर कैसे आ गई, इनकी तो मृत्यु हो चुकी थी। लीला ने सुना सासू माँ, तो वह कुछ कहती इससे पहले माँ ने उसे रोक लिया। माँ ने कहा, इन दोनों का हालचाल पूछ लो लीला, और जो भी कुछ रानी की हैसियत से तुम इनके लिए करना चाहती हो वो समझ लो और फिर हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आज लीला ने ऐसा ही किया, उनका हाल चाल पूछ लिया और अब लीला वहाँ से उनका हाल चाल पूछ कर अब उसने सोचा, अब तो यहाँ से जाएंगे, वापस जाना है। अब माँ ने उसको लिया, वापस निकले तो लीला ने जैसे ही वो उस विमान में आरूढ़ हुई, लीला खुद को रोक नहीं पाई, उसने पूछा, माँ ये कहाँ लेकर आई थी आप मुझे, ये कौन सा स्थल था। माँ ने कहा, लीला ये तेरे पूर्व जन्म का घर था जहाँ पर तुझे लेकर आई हूँ, पूर्व जन्म का घर, तुम और राजा पद्म पूर्व जन्म में भी पति पत्नी थे और ये तुम्हारे पुत्र और पुत्र वधु तुम्हारे ही अपने बच्चे हैं। और जानती है लीला, उस जन्म में जब पद्म की मृत्यु हुई तो उस समय उसके अंत समय में वो सारा जीवन अच्छे कार्य करता था, श्रेष्ठ उसका आचरण था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक बात चलती रहती थी, जब भी राजा की पालकी को निकलते हुए देखता था तो मन में आता था, काश मैं भी कहीं का राजा होता। तो जब उसका अंत समय आया, उसके सारे लेखे जोखे को देखकर और उसकी ये इच्छा को देखकर उसे राजा पद्म की देह मिल गई। और तू उस समय में भी यही सोचती रहती थी कि मेरे स्वामी अगर मुझसे दूर हो गए तो मेरे जीवन का क्या होगा, और हमेशा यही सोचती रहती कि जब मेरे स्वामी जाएं तो मैं भी उनके साथ जाऊं। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही तेरे पति का देहांत हुआ तू भी इतने सदमे में आ गई और तब तेरी भी मृत्यु हुई और तुझे लीलावती का ये जीवन मिला। और आज एक बार पुनः वही घटनाक्रम फिर से घटने वाला था। ये ज्ञान मैंने जो तुझे दिया था उसके कारण ये घटनाक्रम इसे मैंने रोक दिया है। लीला एक बार पुनः तेरे साथ वही घटना था, लेकिन आज मैंने तुझे उस कर्म के बंधन से मुक्त करने के लिए मैं तुझे इस यात्रा पर लेकर आई। आज लीला को जब ये एहसास हुआ तो आज वह माँ के चरणों में गिर जाती है। आज उसके नेत्रों से अश्रु धारा नहीं रुक रही क्योंकि वो जान गई कि वह तो इस आवागमन के चक्र में फंसी हुई थी, लेकिन अगर कोई उसका सच्चा हितैषी था, किसी ने उसका ध्यान रखा, तो वो कौन है, वो केवल उसकी माँ है
और उस समय लीला के हृदय से कैसी प्रार्थना उठती है, आइए भक्तों उस प्रार्थना को श्रवण करते हैं। सुना जीवन मेरा खुद से अनजान था, सुना जीवन मेरा खुद से अनजान था, मन की कालिख से सहमा सहमा सा अपने दिव्य प्रेम से जिसने पावन किया, अपने दिव्य प्रेम से जिसने पावन किया, ऐसी करुणामयी ममतामयी मई तुम ही हो
भक्तों, ये उद्गार केवल लीला के हृदय के नहीं थे, ये हर उस शिष्य के हृदय के उद्गार हैं जिनके जीवन में पूर्ण तत्व वेता सतगुरु आए। स्वामी विवेकानंद, कितनी ख्याति मिली उनको, पर जानते हैं जब रात्रि को शयन करने जाते थे ना, हर रात को उनका तकिया जो था वो गीला मिलता था हर प्रातः, क्योंकि पूरी रात अपने गुरु की याद में रोते थे। दुनिया उनको देखती थी, दुनिया उनकी वाहवाही करती थी, लेकिन एक दिन इतने विकल हो गए कि पहुंच गए मैडिसन स्क्वायर में और जाकर उन्होंने अपने जीवन का, जो उनके दिल के सबसे करीब, वो स्पीच दी थी, माय मास्टर, और दुनिया को जाकर बताया था कि ये विवेकानंद कुछ नहीं है, जो बोलते हैं वो है रामकृष्ण परमहंस, वो है मेरे गुरु। आपने मुझे देखा है, मेरे गुरु को जानोगे तो फिर पता चलेगा कि कितने विवेकानंद खड़े किए हैं उन्होंने। हर शिष्य के ये उद्गार हैं। योगानंद परमहंस जी, अंग्रेजी बोलनी नहीं आती थी, लेकिन उनके गुरु ने उनके अंदर भर दिए वो गुण, और हम उन्हें आज उनकी बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी को बेस्ट सेलिंग बुक के रूप में पढ़ते हैं। हर शिष्य, इस मन से आप ये सब सुन रहे हैं ना, हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे, आपको लग रहा होगा हम बोल रहे हैं, हमारा ज्ञान है, नहीं, 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं। अगर कुछ भी इस मन से गाया जा रहा है और बोला जा रहा है और वो आपके हृदय को छू रहा है, आपको कुछ समझ आ रही है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी का वो स्पंदन है जो आपको छू रहा है, जो आपकी आत्मा को झंकृत कर रहा है। सब करने वाले वो गुरु होते हैं, और वो गुरु जिसके जीवन में आ जाते हैं ना, उसका जीवन बदल जाता है। इस संसार के रिश्ते नातों में हम अपना समय लगाते हैं, वो रिश्ते नाते मृत्यु के बाद भी हमारे लिए बंधन का कारण बनते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है, वो सद्गुरु इस धरा पर आते हैं हमारे लिए, वो अपना हर कार्य करते हैं अपने शिष्य के लिए, और जब एक शिष्य की मृत्यु होती है ना, तो उसके बाद भी युगों युगों तक वो उसे संभालते हैं जब तक वो परम धाम को प्राप्त नहीं कर लेता। वो सद्गुरु आकर युक्ति देते हैं। ये कहानी एक सिंपल हमारे सामने एक चमत्कार या एक अंतर की यात्रा जो आप सुन रहे हो, ये आपको लग रहा होगा ये तब हुई होगी पॉसिबल, नहीं भक्तों, जब जब गुरु जीवन में मिलते हैं तो वो अंतर के ही तो कपाट खोलते हैं। पूर्ण तत्ववेता संत जीवन में आएंगे तो वो बाहर नहीं, वो अंतर ज्ञान देते हैं, ये वाले कपाट खोलते हैं, और जब ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो उस समय स्वयं योग वाशिष्ठ में आता है, गुरु स्वयं यहां इस आज्ञा चक्र में स्थित हो जाते हैं, और अब पल प्रतिपल अपने शिष्य का मार्गदर्शन अंतर और बाहर दोनों से करते हैं। और जानते हैं, ब्रह्म ज्ञान को प्रदान कर वो जो साधना का मार्ग, वो ध्यान का मार्ग जो दिखाते हैं, वो ध्यान का मार्ग ही युक्ति है इस आवागमन के चक्र से मुक्त होने की। अब जब ना ध्यान की बात आ ही गई है, तो भक्तों समझते हैं ये ध्यान क्या है, क्योंकि आज तो मेडिटेशन ट्रेंडिंग हो रही है, हर व्यक्ति ध्यान साधना करने के लिए कोई ना कोई सेंटर में जाता है, कुछ ना कुछ कर रहा है, परंतु ध्यान क्या है समझिए इस बात को, और ध्यान क्यों करना है। बड़ा अफसोस होता है जब हम सोशल मीडिया पर या फिर हमसे आकर लोग मिलते हैं और कहते हैं हम मेडिटेशन करते हैं और उससे हमारा वेट लॉस हो गया, हमने मेडिटेशन की और उससे हमारी तबीयत ठीक हो गई, बीमारी दूर हो गई। भक्तों, ध्यान वेट लॉस के लिए नहीं है, वेट लॉस के लिए आप एक्सरसाइजेस भी कर सकते हो, उसके लिए प्राणायाम आसन है। ध्यान इसलिए भी नहीं है कि आप अपने रोग से मुक्त हो जाओ, ये सब तो बाय प्रोडक्ट्स हैं जो आपको उसके मिल रहे हैं, ये तो उसके साथ मिलने वाले एडेड बेनिफिट्स हैं, लेकिन ध्यान क्यों करना है। ध्यान करना हम सबको आता है, वैसे इस संसार में ध्यान करना,
इस संसार की कोई वस्तु मन को भा जाए, हमारा ध्यान उस पर केंद्रित हो जाता है, हम दौड़ते हैं उसे प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब तक ध्यान संसार में है तो क्या होगा? अंत समय में भी संसार में जब ध्यान लगा है तो वही याद आएगा। और हम सब ये जानते हैं कि अंत समय में जिसका ध्यान आता है, फिर अगला जीवन जो है वो वैसा ही बन जाता है, जानते हैं ना है हम सब। तो अंत समय में हम क्या कहते हैं? भगवान का ध्यान करना चाहिए। कहते हैं ना, अंत समय में किसी का अंत समय करीब लगता है तो उसे गंगा जल पिलाते हैं, उसके आसपास राम नाम का जप हम लगा देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति ने, हमने बड़ों से सुना है कि अंत समय में जिसका ध्यान करेंगे वैसी ही गति होगी। लेकिन भक्तों, अंत समय में इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, दिमाग साथ छोड़ देता है, उस समय भगवान का ध्यान नहीं हो पाएगा। और उस समय तो ध्यान उसका होगा जिसका ध्यान आपने सारा जीवन किया है, सारा जीवन जिसका किया है। अगर आपने धन का ध्यान किया है तो उसका आएगा, बच्चों का ध्यान आएगा, अगर सारा जीवन बच्चों के लिए आसक्त रहे हो। पति पत्नी को एक दूसरे का आता है, किसी को घर की चिंता होती है, किसी को दुकान की चिंता होती है, और गरुड़ पुराण भरा हुआ है कि आप जिसका चिंतन करोगे अगली योनि कैसी मिलेगी। लक्ष्मी का चिंतन करोगे तो सर्प योनि मिलेगी, बच्चों का चिंतन करोगे तो सुअर योनि मिलेगी। अब इस आवागमन के चक्र में हम संसार में लगे हुए अपने ध्यान के कारण फंसते हैं। लेकिन जब जीवन में सद्गुरु आते हैं तो बहिर्मुखी हुआ हमारा जो ध्यान है वो उसे अंतर्मुखी कर देते हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, यहाँ प्रकाश स्वरूपा भगवती को प्रकट करते हैं, और तब ध्यान प्रारंभ होता है। आज हम ध्यान कर रहे हैं, कोई माला फेर लेता है, कोई बल्ब की ओर कहता है ध्यान लगाओ, कोई कहता है चलते चलते ध्यान करो, कोई मंत्र रटता है, और हम सोचते हैं हम ध्यान कर रहे हैं। परंतु भक्तों, ये ध्यान आप बल्ब पर ध्यान कर रहे हो, जब तक बल्ब जल रहा है तब तक ही तो कर पाओगे ध्यान, वो बल्ब फूट गया तो किसका ध्यान। और माला फेर रहा है व्यक्ति, लेकिन माला फेरने का ऐसा अभ्यस्त हो जाता है कि हाथ से माला फिर रही है और साथ में ध्यान चारों दिशाओं में है। घर में किसने कहां वस्तु रख दी उसको बीच में बोल दिया, किसी ने सामान इधर से उधर कर दिया उसको बोल दिया, कितना धन कहां आ जा रहा है उस पर ध्यान है, तो ध्यान उस माला में तो है ही नहीं। ये माला बाहरी नहीं फेरनी थी, ये अंतर की माला थी, जो संकेत था बाहरी माला का कि अंतर एक माला चल रही है, उसका ध्यान करना है। तो जब सद्गुरु जीवन में आते हैं ना, तो वो हमें ध्यान करना सिखाते हैं। और वो ध्यान क्या है? सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ध्यान का एक समीकरण देते हैं, ध्यान इज इक्वल टू ध्येय प्लस ध्याता। ध्यान करना है तो आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, और आप अगर ध्यान करना चाहते हैं तो आप वो ध्याता हुए। अब टारगेट अगर संसार का होगा, जैसे अभी हमने सुना, तो वो क्या करेगा? उस संसार के टारगेट के साथ जब तक वो टारगेट है तब तक कुछ देर तो मन रुकेगा, फिर वो इधर उधर भागेगा, हम उसके अभ्यस्त हो गए फिर भागना शुरू करेगा। वास्तविक ध्यान तो तब होता है जब अंतर घट में वो ईश्वर प्रकट हो जाता है, जब अंतर घट में वो शाश्वत ध्यान प्रकट होता है, ध्येय प्रकट होता है, जब वो शाश्वत ध्येय प्रकट होता है तब ध्यान का आरंभ होता है। जब हम कहीं जाते हैं मेडिटेशन सेंटर में या देखते हैं टीवी पे, तो लोग आंखें बंद करके बैठे होते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाई होती है और आंखें बंद करके बैठे होते हैं, हमें लगता है आंखें बंद करके बैठना ध्यान है। लेकिन दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं आंखें बंद करना ध्यान नहीं है, इन दो आंखों को बंद करके इस तृतीय नेत्र का खुल जाना, उसके बाद ध्यान प्रारंभ होता है। और जब इंसान इस जीवन के रहते निरंतर वो ध्यान करता है, निरंतर उस परम ध्येय उस भगवती के साथ कनेक्ट होता है, तभी अंत समय में उसको इस भगवती का ध्यान आएगा, और तभी उसकी मृत्यु का भय उससे वो मुक्त होगा, और उस मृत्यु भी उसकी सार्थक हो जाएगी। क्योंकि एक भक्त जिसने ध्यान का अभ्यास किया है, जो अंतर से भगवती से जुड़ा है, जब उसका अंत समय आता है तो भगवती स्वयं उसे लेने आती है, और उसकी मृत्यु भयावह नहीं होती,
वही भक्त थे जिन्होंने कहा कि जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। उन्होंने अपने ध्यान को, उन्होंने जीते जी उस ध्येय के साथ अपने आप को जोड़ लिया था। और यही नहीं भक्तों, जब हमारे जीवन में विवशताएं आती हैं, जैसे लीला के जीवन में स्थिति आई, ऐसी स्थिति जब हमारे जीवन में आती है तो क्या होता है, लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है उनको। कोई अपना जिसके साथ बहुत आसक्ति है वो छूट जाए तो हमें डिप्रेशन हो जाता है। समाज में बीमारी की जड़ क्या है, क्योंकि इंसान क्या करता है, उसके साथ जो ट्रेजेडी घटी वो बार बार उन्हीं स्मृतियों में जाता रहता है, वही सोचता रहता है। और जानते हैं, विज्ञान बताता है कि जब हम बार बार उन्हीं स्मृतियों को सोचते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, जितनी बार हम उस स्मृति को रन करते हैं ना, उस याद को रन करते हैं अपने दिमाग में, तो हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को नहीं पता चलता कि वो घटना एक ही बार घटी थी, आप उसको फिर से याद कर रहे हो, उसको लगता है वो घटना फिर से घट गई है। और वो वही स्ट्रेस हार्मोन्स जो तब आपके अंदर पैदा हुए थे उसे फिर पैदा कर देता है। और इसलिए जब किसी की सोच किसी ट्रेजेडी में अटक जाती है, किसी को सदमा लगता है, तो बार बार जब वो उसका चिंतन करता है तो उसका देह भी बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, उसे डिप्रेशन हो जाता है। ये है डिप्रेशन की जड़। लेकिन भक्तों, विकट परिस्थितियां जीवन है तो विकट परिस्थितियां आएंगी, संघर्ष आते हैं, लेकिन ये जो ध्यान साधना है ना ब्रह्म ज्ञान की, यहां पर इसका काम आता है। ये ध्यान साधना एक मैकेनिज्म है अपने मेंटल रेडियो को उस हायर फ्रीक्वेंसी के साथ, उस सुपर कॉन्शियसनेस के साथ, उस ब्रह्म के साथ ट्यून करने की। एक शिष्य जब उसके जीवन में विकट परिस्थिति आती है ना, तो वो क्या करता है, वो अपने गुरु का चिंतन करता है, अपने गुरु का ध्यान करता है, वो अंतर्घट में उतरकर उस ब्रह्म ज्योति के साथ जब कनेक्ट होता है, तो साध्य के साथ जब वो कनेक्ट होता है, साध्य की शक्ति ही उसे उसके दुखों से मुक्त कर देती है। यहां पे जो इटर्नल टारगेट है वो उसे मुक्त कर देती है। कैसे, क्योंकि हम संसार में जितनी भी मेडिटेशन पद्धतियां है ना, वो आपको क्या सिखा रही हैं कि आप अपने मन को फोकस कैसे कर लो, रोक कैसे लो किसी चीज पर। लेकिन रोक के करना क्या है, अगर बल्ब पे रोकोगे तो बल्ब क्या जड़ है वो आपको स्फुरित करेगा, वो आपको एनर्जी देगा, नहीं देगा। आपको पता है जब हम रात को सोते हैं, आप सबके पास स्मार्ट वॉचेस होंगी, और स्मार्ट वॉचेस में अगर आप कभी अपना स्लीप स्कोर देखो तो स्लीप स्कोर के जो ग्राफ बनकर आता है उसमें आता है आप 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट डीप स्लीप स्टेट में गए, डीप स्लीप स्टेट में गए 15 मिनट 5 मिनट 15 मिनट बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 5 मिनट। और वो जो 5 मिनट है ना, जानते हैं उन 5 मिनट में ही वैज्ञानिकों ने पाया है, अगर वो डीप स्लीप स्टेट ना आए ना तो लोग जो होते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। इंसोम्निया जिनको होता है, डिप्रेशन जिनको होता है, उनके चेहरे को देखकर आपको मायूसी दिखती है, ऐसा लगता है कृशकाय हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो 5 मिनट की डीप स्लीप स्टेट है ना, इसमें रेजुविनेशन होता है, हम स्फुरित होकर नए उत्साह को लेकर आते हैं। अब विज्ञान तो नहीं समझ पा रहा कि इस 5 मिनट में क्या होता है, लेकिन उन्होंने हार्मोन्स के रूप में इसे डिफाइन किया है। जब गुरु ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना आपको सिखाते हैं, आपको ब्रह्म ज्ञान मिलता है, आपके यहाँ पर वो भगवती प्रकट होती है, आप उसके साथ जब कनेक्ट होते हो, अंतर्घट में उतर कर जब ध्यान करते हो, तो इस कॉन्शियस सेंटर के साथ आप कॉन्शियसली जागृत अवस्था में उसके साथ जुड़ते जब हो, तो ये सेंटर जो है ये आपको रिजुविनेट कर देता है। इसलिए हम कहते हैं उस भगवती का सुमिरन जो है, आपने सुना है ना, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, उसका जब स्मरण अंतर्घट में होता है, अंतर की माला में जो उसका नाम चल रहा है, जब वो ध्यान होता है, वो स्मरण होता है, तब मन में सुख भर आता है, क्योंकि वो सकारात्मक ऊर्जा का पुंज है। इसलिए भक्तों, साधना के लिए, ध्यान के लिए शाश्वत ध्येय भगवती को जानना अनिवार्य है, उसके बिना आप साधना कर ही नहीं सकते। तो इसलिए अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो और अभी तक आपने उस ईश्वर के दर्शन नहीं किए, देन यू नीड टू रीथिंक।
आपकी मेडिटेशन आपको तन का सुख कुछ समय के लिए दे देगी, लेकिन वो इनकम्प्लीट है। आज माँ ने अपनी इस लीला से हमारे समक्ष ये रहस्य उद्घाटित किया है। भक्तों, अगर जीवन को सार्थक बनाना है, अगर जीवन की हर दुविधा में सिक्योर रहना है, तो फिर आवश्यकता है कि एक सद्गुरु की शरण को प्राप्त करें और अपने अंतर्घट में उस भगवती के दर्शन प्राप्त कर लें, तब जीवन में परिवर्तन आएगा। और जानते हैं भक्तों, जब माँ ने आज लीला को उसके कर्मों के बंधनों से मुक्त किया, तो उसके बाद माँ लीला को ले गई, उसके स्थूल शरीर में वापस ले गई। तो अब जो लीला उठी वो बंधनों में बंधी हुई लीला नहीं थी, वो आसक्तियों में पड़ी हुई लीला नहीं थी। उसने माँ के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ अब मेरा संपूर्ण जीवन आपका, ये जीवन का जो ध्येय है मुझे उसकी ओर ही बढ़ना है। और जानते हैं उस समय भक्तों, माँ ने अपनी कृपा का विस्तार किया और माँ ने राजा पद्म को भी पुनर्जीवित कर दिया। ऐसे होते हैं सद्गुरु, वो जानते हैं कि शिष्य के कल्याण के लिए क्या आवश्यक है। उन्होंने राजा पद्म को भी जीवन दान दिया। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारे जीवन में अगर किसी की मृत्यु हुई ज्ञान लेने के बाद वो जीवित हो जाएंगे। समझने की बात ये है कि वो सद्गुरु जो होते हैं उनके अंदर इतनी शक्ति होती है, वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो अपने शिष्य के कल्याण के लिए सृष्टि के नियमों को भी बदल सकते हैं। इसीलिए उनकी महिमा में कहा गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो ब्रह्मा बनकर एक शिष्य को दूसरा जन्म, आध्यात्मिक जन्म देते हैं। वो विष्णु बनकर पग पग पर इस साधना पथ पर उसकी रक्षा करते हैं। वो शिव बनकर उसके कर्मों के संकटों का हरण करते हैं, विष का पान करते हैं, और अगर जरूरत पड़े तो वह पार ब्रह्म परमेश्वर है, उनकी शक्ति असीम है, वो अपने शिष्य की रक्षा के लिए सृष्टि के नियमों को भी बदल सकते हैं। ऐसे होते हैं वो सतगुरु। और आज जब राजा पद्म भी जीवित हो गए, तो अब उस राज्य में आनंद का वातावरण हो गया। भक्तों, वह जो कल तक दुख में डूबा हुआ था राष्ट्र, वो जो क्षेत्र था जहाँ पर युद्ध छिड़ा हुआ था, माँ की कृपा से उस युद्ध का भी अंत हुआ। राज्य जो था वो उस युद्ध से सफलता से बाहर आया। राजा पद्म और रानी को जब सभी प्रजावासियों ने अपने समक्ष देखा, तो आज अत्यंत प्रसन्न हैं। और उस समय रानी लीलावती ने जब माँ की ऐसी दिव्य कृपा को प्राप्त किया, तब वहाँ पर उनके क्षेत्र में जहाँ पर जाकर लीला ने माँ सरस्वती के को सद्गुरु रूप में पाया था, जहाँ जाकर वो उनका आराधन करती थी, आज उसी मंदिर में माँ सरस्वती का महापूजन आयोजित किया गया। लीलावती और राजा पद्म सभी को अपने साथ लेकर गए और वहाँ महापूजन आयोजित किया गया। बसंत पंचमी बसंतोत्सव का उत्सव वहाँ पर मनाया गया, क्योंकि आज लीलावती के जीवन में माँ सरस्वती की कृपा से सच्ची बसंत आई थी। उसका जीवन जो बदरंग हो गया था, उसमें नवीन रंग लग गए थे। आइए भक्तों, हमने भी माँ के सद्गुरु रूप की महिमा को सुना है, और वो सद्गुरु बसंत बनकर आते हैं अपने शिष्यों के जीवन में। आज अब समय है कि हम भी माँ सरस्वती का महापूजन करें और अपने जीवन को उनकी कृपा से धन्य करें।
सजी धजी पीले फूल्यासु, सजी धजी पीले फूल्यासु, आई बसंत की पावन घड़ी, छाई है खुशियां आज घड़ी, धरती जिया भी घड़ी बड़ी। सबके मन मा घणो चाव है, कोई दीन दुखी राज है, कोई दीन दुखी राज है, कोई दीन दुखी राज है, हरि नगरी लागे सुहावनी, कठिन बाजे साज बाज है, कठिन बाजे साज बाज है, कठिन बाजे साज बाज है, सबके मन मा घणो चाव है, कोई दीन दुखी ना आज है, पर स्वर्ग है आयो, रूप निराड़ो आज है छायो, रूप निराड़ो आज है छायो, रूप निराड़ो आज है छायो, कहिया है पवन जिया की, कोई सुंदर गीत है गायो, कोई सुंदर गीत है गायो, कोई सुंदर गीत है गायो, जिया धरा पर स्वर्ग है आयो, रूप निराड़ो आज है छायो, खुशबुआवे भीनी भीनी, खुशबुआवे भीनी भीनी, सब पे रंगत और चढ़ी, छाई है खुशियाँ आज घड़ी, धरती जिया भी घड़ी बड़ी, छाई है खुशियाँ आज घड़ी, धरती जिया भी घड़ी बड़ी, सज धजी पीले फूल्यासु, सज धजी पीले फूल्यासु, आई बसंत की पावन घड़ी, खुशियाँ आज घड़ी, धरती जिया भी घड़ी बड़ी, छाई है खुशियाँ आज घड़ी, धरती जिया भी घड़ी बड़ी, छाई है खुशियाँ आज घड़ी, धरती जिया भी घड़ी बड़ी, छाई है खुशियाँ आज घड़ी, धरती जिया भी घड़ी बड़ी, छाई है खुशियाँ आज घड़ी, धरती जिया भी घड़ी बड़ी, छाई है खुशियाँ आज घड़ी, धरती जिया भी घड़ी बड़ी। बोलिए माता महा सरस्वती की जय, जय माता दी, जय माता दी, जय जय माता दी। भक्तों अपना स्थान ग्रहण कीजिए। जैसा उत्सव आज मनाया है, जो आनंद सारे गमों को भूलकर मस्त होकर आपने माँ की महिमा को गाया, झूमे नाचे भक्तों, हर बसंत पंचमी जो आती है ना, जिसे आप सेलिब्रेट करते हो, वो यही कहने आती है आपसे कि उठो, ये बासंत केवल बाहर ही नहीं आ सकता, तुम्हारे जीवन में भी बासंत तब आ सकता है जब तुम्हारे जीवन में ऋतु बसंत बनकर वो पूर्ण तत्व वेता सद्गुरु आएंगे। कबीर दास जी लिखते हैं कि वो गुरु जो हैं वो ही सच्ची बासंत लाते हैं, एक सद्गुरु ही लाते हैं एक शिष्य के जीवन में। ये गाथा जो हम सुन रहे हैं माता महा सरस्वती, जिनका आवाहन अंतिम तीन दिनों में किया जाता है नवरात्रों के, वो आवाहन इस बात का द्योतक है कि जब वह जीवन में आएगी, वो सद्गुरु रूप में जीवन में आएगी, तो वो समस्त कालिमा का अंत हमारे जीवन से कर देगी, तब हमारे जीवन में सच्ची बसंत पंचमी मनेगी। भक्तों इस गाथा को केवल सुनकर
एंजॉय कर कर वापस मत लौट जाइए। वो बेला आपके जीवन में आई है जब आप अपने जीवन को 360 डिग्री चेंज दे सकते हैं। करना बस इतना है कि खुद उसके लिए मांग करनी है, खुद आगे बढ़ना है, क्योंकि दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी समय के पूर्ण तत्व वेता सदगुरु हैं। हमने उनकी कृपा से उस भगवती को अंतर देखा है, तभी दावे से आपके समक्ष रोज बोलते हैं कि वो भगवती दिखती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आप उस भगवती के साथ कनेक्ट हो सकें, अंतर में उससे जुड़ सकें और अपने जीवन के संग्राम में अकेला ना लड़ना हो, अकेले ना बढ़ना हो, साथ साथ वो चले, आपको उनका एहसास हो, साथ तो अभी भी है, एहसास नहीं है, वो एहसास हो, तो फिर उठिए, जागिए, उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कीजिए, तब आएगी जीवन में सच्ची बासंत। और हम आपको आपके जीवन में वो सच्ची बासंत ही देने आए हैं। आज के कथा प्रसंग को यहीं संपन्न करते हैं, इसी शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन भी परिवर्तित हो, आपके जीवन में भी नए रंग लगे। आइए माँ के श्री चरणों में एक जोरदार जयघोष अर्पित करेंगे। बोलिए आदिशक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय। राज राजेश्वरी ब्रह्ममय माँ अंबिका भवानी की जय। दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय। साचे दरबार की जय। अब लास्ट में आरती होगी और इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे बीच में ये प्रमुख यजमान जो हैं इस कथा के, बहन श्रीमती विमला बाई एवं उनके सुपुत्र श्री अमित अग्रवाल जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। श्रीमती कौशल्या देवी बंग जी एवं सुपुत्र श्री विनोद बंग जी एवं प्रमोद बंग जी, आप आगे आएं। मुख्य यजमान श्री नरसिंह दास सारडा जी एवं श्री भगवान दास सारडा जी, श्री ताराचंद सोनी जी एवं श्रीमती कौशल्या देवी सोनी जी, सुपुत्र श्री शैलेश सोनी जी एवं श्री रुपेश सोनी जी, कृपया आप भी आगे आइए प्लीज़। श्री सनत बिक्की दास जी एवं श्री प्रशांत पैन दास जी, दैनिक यजमान श्रीमती कमला देवी एवं श्री भाकर राम जी कुमावत समाज अध्यक्ष, श्रीमती बीना यादव जी एवं श्री विनोद यादव जी, कृपया आप आगे आएँ। और श्रीमती दीक्षा गुप्ता जी एवं श्री सचिन गुप्ता जी, श्रीमती परमा देवी एवं श्री हरजी राम कुमावत जी, श्रीमती तीजी देवी कुमावत जी एवं श्री पप्पू राम कुमावत जी, और उत्सव यजमान श्रीमती डॉक्टर शांता जी एवं डी रामा राव जी, आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप कृपया आ गए हैं। हमारे बीच में गणमान्य अतिथि भी पधारे हुए हैं, मैं उनको निवेदन करता हूँ। श्री सुशील तोतला जी, श्री नीरज जायसवाल जी, श्री ललित अग्रवाल जी, श्री गोकुल बजाज जी, श्री गणेश अग्रवाल जी, श्री कोटला वेंकट रेड्डी जी एसीपी साहब, श्री सुरेश कुमारी माली जी अध्यक्ष माली समाज, श्री ओम प्रकाश बंग जी, आनंद संगी जी, श्री पुरुषोत्तम मिश्र जी एवं श्रीमती राजकुमारी जी मिश्र आज के प्रसाद के यजमान हैं, कृपया आप भी आगे आएँ। श्री राजेंद्र मलानी जी, श्री उमेश असावा जी, श्री राधेश्याम मुंदड़ा जी, श्री विनोद जारवोटिया जी, कृपया आप सभी आगे आ जाएं। बाकी सभी संगत से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं, आरती के भाव अर्पित करने के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वहीं से आरती के भाव अर्पित करें। और मैं मंच पर विराजमान संत समाज से निवेदन करूँगा कि आप आज की पावन आरती आरम्भ करें। धन्यवाद। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन भावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन भावत हरि ब्रह्मा शिवरी, सिंदूर विराजत एको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को, कनक समान कलेवर रत्ताम्बर राजे
रत्न पुष्प गणमाला कंठन पर साजे, रत्न पुष्प गणमाला कंठन पर साजे। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। कानन कुंडल शोभित नासा के मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर सम्राजक ज्योति, कोटिक चंद्र दिवाकर सम्राजक ज्योति। शुंभ निशुंभ दिवारे महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मन माती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मन माती। चंद मुंड संहारे शोणित बीज हरे, मधुकैटम दो मारे सुर भयहीन करे, मधुकैटम दो मारे सुर भयहीन करे। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। चौसठ योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा हर बाजत डमरो, बाजत ताल मृदंगा हर बाजत डमरो। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता, भक्तन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। पूजाचार्य अतिशोभित वर मोत्राधारी, मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी, मनवांछित फल पावत सेवत नर नारी। कंचन थाल विराजत अदर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम राजे कोटि रतन ज्योति, श्रीमाल के तुम राजे कोटि रतन ज्योति। श्री अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी, तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी, मैया तुमको निश दिन धावत हरि ब्रह्मा शिवरी। अपने दिव्य प्रेम से जिसने पावन किया, अपने दिव्य प्रेम से जिसने पावन किया, ऐसी करुणामयी ममतामयी I'm not afraid.
से तुझ संग मेल है। रोशनी बन